चैप्टर नंबर 12 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। टोटल है कितनी? पांच है मेरे ख्याल में। एक सेकेंड, हाँ पांच है, तो तीन और रहेगी है, कोई मसला नहीं है। तो टॉपिक आप लोग पढ़ने लगे हो, ये मैं बता रहा हूँ, पहला एक चैप्टर हुआ करता था जो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है पुरानी बुक में, और उस चैप्टर में इतनी डिटेल तो होती भी नहीं थी। जो आपने दो एक्सरसाइज में पढ़ी है ना, बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी है, लेकिन ये एक चैप्टर हुआ करता था, 11 चैप्टर होता था। फिर आता था 13 चैप्टर, और पंजाब बोर्ड में 13 एंड 14, उसका टॉपिक क्या होता था? टॉपिक था सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, फिर हम देखेंगे इनको सॉल्व किस तरह करना है। तो टॉपिक हमारा यही है। अब जो अगली एक्सरसाइज है ना, असल टॉपिक यही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके में आपको इनवर्स फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है, तो इनवर्स का टॉपिक आ जाएगा दरमियान में। लेकिन असल जो टॉपिक है ना, वो यही है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से हम करें? सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। अच्छा, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे माइक्रोफोन ना बीच में जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इशू हो रहा था उनको ना, दरमियान दरमियान में आवाज कट रही थी, तो अगर आप लोगों को इशू फेस हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि पहले मैंने ऑटोमेटिक रखा हुआ था, अब मैंने राइट पे अपना माइक्रोफोन रखा हुआ, तो शायद इशू ना हो। लेकिन अगर हल्का भी इशू हो ना, कि आवाज कट रही है, कभी आ रही है नहीं आ रही, किसी भी स्टूडेंट को इशू हो, तो फौरन मुझे बता देना। अच्छा, तो टॉपिक हमारा क्या है? एक सेकेंड, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, उसमें आप एक्स की वैल्यूज निकाला करते थे। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इजी इक्वेशन मैं आप लोगों को बताऊं वो है, फॉर एग्जाम्पल, साइन थीटा इज इक्वल टू वन। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन है क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि साइन फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है तो वो इक्वेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेगी। दो भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही इक्वेशन है, मैं इस तरह कर दूं इसको, दो फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब सवाल है कि इसको सॉल्व हम किस तरीके से करें। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं जो आपके बुक ने डिस्कस किए हैं, और वैसे भी दो ही होते हैं। एक होता है कि आप ग्राफ के जरिए से सॉल्व करो इसको, और एक होता है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए से इसको सॉल्व करो। इनवर्स वाला जो मेथड है वो आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। 12.3 में जो मेथड है वो ये कि ग्राफिकली आपने इसको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, और फिलहाल जो आपके पास इक्वेशन आ रही है वो बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, क्योंकि ग्राफ के जरिए से मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करना इजी नहीं होता। उसके लिए फिर हम दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो आप लोग बाकी एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ग्राफ के जरिए से इजी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, वो 12.3 का पूरा आपका टॉपिक है। तो अगर पेज 363 पे आप आओगे ना, तो उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस किस्म की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये 12.3.1 टॉपिक में हेडिंग है, पूरी ब्लू से लिखी हुई है कि साइन थीटा इज इक्वल टू के, कॉस थीटा इज इक्वल टू के, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के। इस टाइप की जो इक्वेशन होगी ना, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, या कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, या साइन थीटा इज इक्वल टू √3, सॉरी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। कहने का मतलब सिंपल, एक फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको एक वैल्यू नजर आएगी। इस किस्म की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होंगी, इस किस्म की होंगी कि एक तरफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और एक तरफ सिंपल उसकी वैल्यू होगी, और आपको यहाँ पे थीटा मालूम करना होगा। तो जो इजी, सबसे इजी किस्म की इक्वेशन आई हैं, इनको सॉल्व करना हम सीखेंगे 12.3 के अंदर, ठीक है? तो एक काम करते हैं हम, बुक की एग्जाम्पल तो उन्होंने सॉल्व की हुई है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो एक्सरसाइज 12.3 है ना, मैं उसी की एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाए। और इजी एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। लिखा हुआ है कॉस एक्स -1/2 इज इक्वल टू 0, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो 12.3 में आपको ऐसी इक्वेशन मिलेंगी, सिंपल एक फंक्शन होगा और राइट हैंड साइड पे सिंपल एक वैल्यू लिखी हुई होगी, और आपको बोला जाएगा कि आपने जो एक्स है ना ये मालूम करना है। अब सवाल है कि मालूम करने का प्रोसीजर क्या होगा। देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, आप लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इसी इक्वेशन की हम बात करते हैं, जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, आपके पास कैलकुलेटर है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर में अगर आप लिखो कॉस 60 डिग्री, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1/2।
कैलकुलेटर में अगर आप लिखते हो कॉस माइनस 60, कैलकुलेटर आंसर देगा 1/2। कैलकुलेटर में अगर आप पुट करोगे कॉस 420 डिग्री, तब भी कैलकुलेटर 1/2 देगा। अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे कॉस माइनस 420 डिग्री, तब भी कैलकुलेटर 1/2 देगा। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे कॉस 80, तब भी कैलकुलेटर 1/2 देगा। आप कैलकुलेटर में पुट करो कॉस माइनस 780 डिग्री, तब भी कैलकुलेटर 1/2 देगा। आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि सिंपल एक ही क्वेश्चन है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहां पे मैंने आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर कितनी एक्स की वैल्यूज बता दी है कि एक्स 60 भी हो सकता है, एक्स माइनस 60 भी, मतलब एक्स का मतलब होता है ना, यहाँ पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है और आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह 60 पुट कर दो, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगी। माइनस 60 पुट कर दो, 420 पुट कर दो, माइनस 420, जितने एंगल्स मैंने आप लोगों को बोले या पुट करते जाओ, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहने का मतलब है कि ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, 60 में मैंने 360 ऐड किया, 420 आ गया, 420 में 360 ऐड किया, 780 आ गया, और 360 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मामला कहीं रुकेगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। इसी तरह जो एंगल आता जा रहा है उसको नेगेटिव करते जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो मैंने बताया था कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आए ना तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, कॉस को नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को याद हो ये चीज मैंने बताई थी, कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के बराबर ही होता है। तो वही तो मैं काम कर रहा हूँ, जो एंगल मेरे पास आ रहा है मैं उसके साथ नेगेटिव लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप देखो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इन सब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी को लिखोगे कैसे, लग गया अगर मैनुअली अगर आप इनको लिखने लग गए तो आप लोगों को तो पूरी जिंदगी चाहिए, फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। आप लिखते जाओ 360 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई फर्क नहीं होगा। तो फिर हम करते क्या, हम यहाँ पे इन सब एंगल्स को मालूम करने का सिंपल तरीका, सिंपल मेथड हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वो मेथड ये होता है कि हम यहाँ पे कॉस का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड है 0 से लेकर 2π, सिंपल लैंग्वेज में 0 से लेकर 360 तक का पीरियड है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 0 से लेकर 360 के दरमियान जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है ना उसको हम लिख लेते हैं। अगर आपसे बात की जा रही है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, आपको बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। बेसिक बात का मतलब जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करवाई थी ना, वो आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कॉस 1/2 कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेशक आप कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हो, आप कॉस 30 पुट करो, कॉस 45 पुट करो, कॉस 60 पुट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस 60 जो है वो 1/2 होता है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। मेनली कितने एंगल्स है, 30, 45, 60, ज्यादातर तो 3 एंगल्स ही होंगे, ठीक है। किसी जगह पे शायद आपके पास 0 आ जाए, या ज्यादातर 3 एंगल्स ही आ रहे होंगे। आप सवाल देखोगे ना ज्यादातर ये 3 एंगल्स ही होंगे। इनको आप बोलते थे रेफरेंस एंगल, अगर आपको चैप्टर 10 में याद हो तो मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे एंगल है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट आपका यहाँ पे ये पूरा एंगल बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट आपका यहाँ पे ये पूरा एंगल बन रहा है, तो मैं आप लोगों को एक रेफरेंस एंगल निकाल के देता था। वो रेफरेंस एंगल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो लाइन है और जो एक्स एक्सिस है इसके दरमियान जो एंगल होता है उसको आप रेफरेंस कहते हो। जैसे ये वाला एंगल रेफरेंस है, एक्स एक्सिस और लाइन के दरमियान ये एंगल रेफरेंस है। इसी तरह एक्स एक्सिस और इस लाइन के दरमियान ये वाला रेफरेंस एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो एंगल होता है वही उसका रेफरेंस होता है। कहने का मतलब आपको रेफरेंस एंगल होता है सिंपल पॉजिटिव एंगल जो कि 0 और 90 के दरमियान होता है। अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह दूर होती जाएगी, सुनते जाओ बस। तो रेफरेंस एंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब अगर मेरे पास इक्वेशन आ रही है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो मुझे फिगर आउट करना है कि कॉस किस पे 1/2 होता है। तो अगर आपको नहीं पता, कैलकुलेटर पे जाओ, कॉस 30 पुट करो, कॉस 45 पुट करो, कॉस 60 पुट करो, आप ये मालूम कर लोगे कैलकुलेटर के जरिए से कि 60 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। जैसे आपने मालूम कर लिया 60 डिग्री, जिसको रेडियन के अंदर आप क्या कहते हो, पाई बाय 3, एक एंगल तो आपके पास आ गया। अब 0 से लेकर 360 के दरमियान क्या यही एंगल इसका सॉल्यूशन है, नहीं, दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। कैसे, जरा ऑब्जर्व करते हैं। ये जो पाई बाय 3 है, अगर आप इसको ग्राफ पे बनाओ तो कैसे नजर आता है, पाई बाय 3 के यहां पे होगा 60 डिग्री। अगर आप लोगों को याद हो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता था, तो जो आपको यहां पे मिल रहा है ना सेम अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तब भी मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। ये जो मैंने माइनस 60 लिखा था ये वही चीज तो थी कि एक मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिया, एक मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लिया। जब कॉस के केस में आपको एक एंगल मिल जाए, आप दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दो, एंगल तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दूसरा एंगल आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो आपने क्या किया, यहां पे पाई बाय 3 बना दिया, यहां पे भी पाई बाय 3 बना दिया, बस तो आपने इसके साथ नेगेटिव लिखा है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या करोगे? देखो हम नेगेटिव एंगल ना इतना यूज नहीं करते, हम डील पॉजिटिव एंगल में ही कर रहे होते हैं, हमें नेगेटिव एंगल इतने पसंद नहीं आते। तो बेशक अगर आप ये एंगल निकालो ना, ये एंगल है -π/3 मतलब -60, हम कहेंगे यार माइनस हटा दो, माइनस हमें मजा नहीं दे रहा, एक काम करो आप पॉजिटिव निकालो। पॉजिटिव कैसे निकालोगे? अगर आप क्लॉकवाइज देखो ये कितना एंगल बन रहा है, पहले हम देख रहे थे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज देखो, पहले हम क्लॉकवाइज देख रहे थे, तो यही क्लॉकवाइज एंगल कितना था? -60। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये सवाल है आप लोगों से, कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करूं तो ये पूरा एंगल कितना होगा? किसी को आइडिया है? 300। एक्सीलेंट, 300। कैसे भाई? देखो ये टोटल 60 डिग्री है, ओवरऑल कितना होता है? 360 होता है। तो मैंने क्या किया, मैं 60 डिग्री पीछे रुक गया हूँ, ये पूरा 60 डिग्री है ना, तो मैं यहाँ ही पे रुक गया हूँ, इसका मतलब 60 डिग्री मैं पहले रुक गया हूँ, तो ओवरऑल ये एंगल क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब जरा फाइनल रिमार्क्स है उसको सुन लो, कि एक एंगल आपको कैलकुलेटर दे देगा कि cos 60 जो है वो 1/2 होता है, दूसरा आप एंगल कैसे निकालोगे मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, कि पहला एंगल आपके पास 60 आया था ना, तो दूसरा एंगल आप कैसे निकालोगे? 2π में से माइनस कर देना, अगर हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं तो 360 में से पहला वाला एंगल माइनस कर देना, आपके पास दूसरा एंगल आ गया 60 300। इस तरीके से आप दूसरा एंगल निकालोगे। तो आप ऑब्जर्व करो कैलकुलेटर में, आप 60 डिग्री पुट करो यहाँ पे या 300 पुट करो, आंसर हमेशा 1/2 आ रहा होगा। तो जो -60 है ना, इसको को टर्मिनल एंगल कहते हैं, ये भी चैप्टर 10 में मैंने बताया था कि -60 है, ये जो 300 है ये -60 है, बस एंगल की डायरेक्शन का बस है इसमें। अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो ये एंगल -60 कराया जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो ये 300 कराया जाएगा। है तो ये एक ही ना, कहने का फर्क है बस इसमें। तो अगर आप कैलकुलेटर में 300 भी पुट करोगे तो आंसर आपको 1/2 मिलेगा। तो मैंने क्या मेथड डिस्कस किया, एक एंगल आपको कैलकुलेटर देगा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए cos x इज इक्वल टू 1/√2, आपने इसको सॉल्व करना, 1/√2 कैलकुलेटर में मिलेगा नहीं क्योंकि वो कैलकुलेटर रैशनलाइज कर देगा, √2/2 कर लो इसको। इक्वेशन है cos x इज इक्वल टू √2/2, आपको बोल रहे हैं सॉल्व करो इसको। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में जाना है और आपने देखना है कि यार cos √2/2 कब होता है, जल्दी जरा मालूम करके बताओ, किसी को याद है तो बता दो। एक्सेलेंट, 45 पे, तो कैलकुलेटर मुझे आंसर दे रहा है 45 डिग्री। ये एक एंगल तो मेरे पास आ गया, दूसरा एंगल मैं कैसे निकालूंगा? 360 से माइनस कर दो, 360 - 45, तो क्या हो जाएगा? 315 डिग्री। ये मेरे सबसे पहले दो सॉल्यूशन होंगे, वैसे तो इनफाइनाइट है ना इसके, लेकिन मुझे शुरू के दो सॉल्यूशन निकालने, वो दो सॉल्यूशन मेरे पास आ गए, 45 डिग्री और 315 डिग्री। तो यहां तक की कहानी तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, कि एक एंगल आप निकालोगे कैलकुलेटर से और दूसरा एंगल आपको कैसे मिलेगा? बस 360 से माइनस कर देना। इसको हम रेडियन में करेंगे, समझाने के लिए मैं डिग्री कर रहा हूँ क्योंकि डिग्री में समझना थोड़ा इजी होता है, बाद में जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो रेडियन में यहाँ पे कर दूंगा। तो ये आप दो एंगल निकाल लोगे, उसके बाद क्या होगा? अगर मैं इन दो एंगल को ग्राफ पे बनाऊं तो कहाँ पे बनेगा? एक है इस तरीके से 5 डिग्री और ये 315 डिग्री यहाँ पे होगा, एंगल क्या हो जाएगा? 315 डिग्री। 0 और 360 के दरमियान आपने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, 0 360 के दरमियान हमेशा दो सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे, ठीक है? किसी सिचुएशन में शायद एक सॉल्यूशन मिल जाए कि जब वो 180, अगर आपका पॉइंट यहाँ पे हो ना 180 डिग्री, तो 0 से लेकर 360 के दरमियान फिर एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाए cos x इज इक्वल टू -1। इसका 0 और 360 के दरमियान एक ही सॉल्यूशन है 180 डिग्री, वो एक बहुत ही रेयर केस है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में आपको क्या होगा, हमेशा दो एंगल मिल रहे होंगे 0 और 360 के दरमियान, सही है? जैसे आप वो दो एंगल मालूम कर लो, उसके बाद आप क्या करो, आप सिंपल ये चीज लिख दो, मैं इनको रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 45 होता है π/4, आप इसके अंदर ऐड कर दो 2nπ। इसका मतलब क्या है? इसी तरह जो आपने 315 निकाला है, अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 7π/4, इसके अंदर भी आप ऐड कर दो 2nπ। अब इसका क्या मतलब है? 2nπ क्या होता है? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या मतलब इसका? तो मतलब ये है कि देखो एक तो एंगल ये वाली साइड है, आप 360 ऐड, ये जो 45 है ना, आप इसके अंदर 360 ऐड करते जाओ, हर एंगल की साइड यही वाली होगी। क्या मतलब? यहां पे बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है एंगल 45 डिग्री का, ये 45 है ना, आप 45 में 360 ऐड करो, मतलब यहाँ पे 45 है ना, आप 360 ऐड करोगे ये पूरा हो जाएगा। और सिंपल लैंग्वेज में 360 के अंदर जब आप 45 ऐड करते हो 415 आता है, और 415 एंगल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, तो जो 45 पे आपको आंसर मिल रहा है वही 405 पे मिलेगा। फिर आप इसके अंदर 360 ऐड कर दो, मतलब आप एक रोटेशन दो फिर दोबारा पूरी रोटेशन दो, अब आपको एंगल क्या मिलेगा? 360 ऐड करो इसके अंदर, आई गेस 765 मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब आप 45 के अंदर 360 ऐड करते जाओ, आपको सेम ही जगह पे आप रुकोगे जाके। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया,
टू एन पाई ऐड किया है। इसका मतलब जब आप एन की वैल्यू वन लोगे तो ये क्या होगा, टू पाई, मतलब 360 आपने ऐड किया। फिर आप एन की जगह टू पुट करो तो दोबारा 360 हो गया। जब आप टू पुट करोगे 4 पाई हो जाएगा ना, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री, मतलब दो दफा 360 आपने ऐड किया। तो कहने का मतलब आप एन की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। आप एन की जगह अगर वन पुट करोगे तो आपको सॉल्यूशन, में डिग्रीज के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर आप एन की जगह वन पुट करोगे यहाँ पे 5.4 और 2 पाई, ये हो जाएगा 405। फिर आप एन की जगह टू पुट करना, आपको मिल जाएगा 765। फिर आप एन की जगह थ्री पुट करना, यहाँ पे 360 दोबारा इसके अंदर ऐड कर दो। तो कहने का मतलब ये सारे सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे, आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको जनरल फॉर्म में लिख दो, सब एंगल कवर हो गए इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह दूसरे के साथ भी आप ट्रीट करो, दूसरा एंगल यहाँ पे है ना, आप वही काम करो। जैसे पहला एंगल तो आपको आपने निकाल लिया था ना इस तरीके से, ये पूरा कितना है 315 डिग्री। अब आप क्या करते जाओ, 315 में 360 ऐड करो, जब 315 में आप 360 ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, यहाँ पे आकर रुकेगा ये। कहने का मतलब आप रोटेशन करते जाओ, फिर 360 ऐड करते जाओ, आपको सारे एंगल मिलते जाएंगे। तो ये चीज मैंने लिखी है कि 315 में आपने सबसे पहले एन की वैल्यू वन पुट करो तो 360 ऐड होगा, फिर आप टू पुट करना 720, फिर थ्री पुट करना इस तरह। तो कहने का मतलब आपको सारे एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, आप जनरलाइज लैंग्वेज में बात करो तो सारे एंगल खुद ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दो अलग अलग सॉल्यूशन है, आप क्या करोगे इसको यूनियन के साथ लिखोगे। यूनियन ये वही सेट में आपने पढ़ा था ना, सेट में जब आप दो सेट का यूनियन लेते थे तो क्या होता था, इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट एक साथ लिख दो, ये यूनियन का काम होता था। तो ये भी सब सॉल्यूशन है, ये भी सब सॉल्यूशन है, हम यूनियन करके इनको एक साथ लिख देंगे, आपके पास ओवरऑल पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा मेथड होगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं एक फेयर काम करवाता हूँ, इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ पेपर में किस तरह करोगे, फिर मैं साइन का कुछ आप लोगों को करवा दूंगा। अच्छा, सब कहानियां कवर नहीं हुई, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा, अभी ये तो स्टार्ट है, सुनते जाओ सुनते जाओ, इंशाल्लाह क्लास के एंड में टॉपिक क्लियर होता जाएगा। सर एक सवाल, ये एन इंटीजर अगर तो माइनस में वैल्यू पुट करें तो माइनस में एंगल हाँ, आएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी, चलो बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 45 था ना, हम क्या कर रहे थे, 45 के अंदर 360 ऐड कर रहे थे। जैसे सबसे पहला एंगल है 45, आप 360 ऐड करो तो ये हो रहा था 405, फिर हो रहा था 765। तो ये सारे सॉल्यूशन आपके पास आते जा रहे हैं, आप 360 ऐड करते जाओ 45 में, मतलब इसके अंदर 360 ऐड करो, पॉजिटिव आते जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव भी निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 45 में आप 360 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 45 में जब आप 360 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 माइनस 360 तो ये एंगल आएगा माइनस 315। फिर आप माइनस 315 में सब्ट्रैक्ट करो माइनस 360, माइनस 315 माइनस 360 तो ये समझ लो तकरीबन कितना हो जाएगा, माइनस 675 शायद। तो आप एंगल सब्ट्रैक्ट करते रहो, आपके पास नेगेटिव एंगल आते जाएंगे। इसकी सेंस क्या बन रही है, सेंस ये बन रही है कि जैसे 45 पे आप इस तरह जा रहे थे ना, अब आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, जब आप माइनस 360 करते हो ना, इसका मतलब आप नेगेटिव एंगल ला रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज आप जा रहे हो। तो देखो सबसे पहला एंगल जो यहाँ पे आपने निकाला था ये कैसे नजर आएगा, इस तरह नजर आएगा, ये पूरा माइनस 315 है, क्लॉकवाइज जा रहे हो। फिर माइनस 675 कैसे नजर आएगा, ये पूरा होगा 360 करते, यहाँ पे जब आप आओगे ये हो जाएगा माइनस 675। तो कहने का मतलब अगर आप 360 सब्ट्रैक्ट करते जाओगे सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सही मिलेगा कैलकुलेटर में। अगर आप इसके अंदर जो मैंने इक्वेशन बताई थी, आप माइनस 315 पुट करो, माइनस 675 पुट करो, सब सॉल्यूशन आपके होंगे। तो जो 2n पाया था ना, उसमें n इंटीजर है ना, तो अगर आप n की वैल्यू 1 2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आते जाएंगे, अगर माइनस 1 माइनस 2 पुट करोगे तो नेगेटिव आते जाएंगे। n की वैल्यू 0 नहीं पुट करना, और कर भी सकते हो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन थी ना पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, तो जब आप n की जगह 0 पुट करोगे तो सिंपल पाई बाय 4 आ जाएगा, पाई बाय 4 तो बिल्कुल बेसिक सा सॉल्यूशन था ना, तो ये भी आ जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव भी आ जाएंगे, इसके साथ नेगेटिव भी आ जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके सर। अब आप लोग लिखोगे कैसे, जैसे सवाल आ गया ना फॉर एग्जाम्पल, तो सॉल्यूशन में जाना, सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालेंगे हम। रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या था, रेफरेंस एंगल था रेडियन में बात करना है ना, तो रेफरेंस एंगल है पाई बाय 4, क्योंकि जब आप कॉस पाई बाय 4 पुट करते हो तो कैलकुलेटर, सॉरी पाई बाय 3, इस वाले एग्जाम्पल में पाई बाय 3 है, तो जब आप पाई बाय 3 पुट करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1/2, ठीक है। हमें हमें पता है कि कॉस साइन फंक्शन, सिंस कोसाइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला
एंगल कैसे आएगा? फर्स्ट एंगल क्या है? जो आपने रेफरेंस एंगल निकाला था वो आपका पहला एंगल हो जाएगा पाई बाय थ्री। और मैंने बताया था दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, 2 पाई से माइनस कर देना, तब 360 से माइनस कर देना, तो दूसरा एंगल आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय थ्री। थ्री को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाय थ्री। 300 हमने कहा था, ये 60 डिग्री है, ये 300 है। तो ये पहला और दूसरा एंगल आपने निकाल लिया, 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान ये दो एंगल हैं जिन पे इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। जब ये दो एंगल आ जाए अब आपने जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो आप लिखना है सॉल्यूशन इज, इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट वो वाला सेट होता है जो सॉल्यूशन का हो, सिंपल लैंग्वेज में ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सॉल्यूशन मौजूद हो। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है यहाँ पे? सबसे पहला एंगल है पाई बाय थ्री ना, आप इसके अंदर ऐड कर दो, आपके पास सारे लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा एंगल है फाइव पाई बाय थ्री, अब दरमियान में आप यूनियन लगाओगे क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे एंगल है फाइव पाई बाय थ्री, अगेन आप 2n पाई ऐड करते जाओ इसके अंदर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये सॉल्यूशन सेट है पूरा, ये भी सारे सॉल्यूशन, ये भी सारे सॉल्यूशन, आपने इसको यूनियन के साथ लिखा, तो ओवरऑल आपके पास सॉल्यूशन है वो आपके पास आ जाएंगे। अब इनफाइनाइट थे, जाहिर सी बात आप लिस्ट बना के लिख नहीं सकते थे, तो आपने जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा और पूरे सॉल्यूशन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो कॉस की एग्जांपल तो आपने देख ली। अच्छा, अब हम कोई ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें नेगेटिव आ रहा हो, मतलब वैल्यू ना आपकी नेगेटिव हो, फिर उसमें क्या होगा? क्योंकि रेफरेंस एंगल बच्चे नेगेटिव कर देंगे, रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैं ऐसा सवाल लेता हूँ जिसमें कॉस नेगेटिव है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ कॉस एक्स 1/√2। अब देखो 1/√2 के साथ में आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेटर में 1/√2 नहीं आपको मिलेगा, कैलकुलेटर में √2/2 मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि कैलकुलेटर इस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आपको आंसर देता है √2/2। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए वरना फंस सकते हो आप, अगर कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हो ना तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो आप उसको उधर ले जाओ, ये आपके पास सिंपल इक्वेशन है, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब देखो आपको सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकालना है। रेफरेंस एंगल किस तरह निकालोगे भाई? माइनस को आपने इग्नोर कर देना, माइनस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस को इग्नोर कर दो, पीछे क्या बचेगा? 1/√2। आप ये फिगर आउट करो कॉस 1/√2 कहाँ पे होता है? 5 डिग्री के ऊपर, एक स्टूडेंट ने बताया था। तो इसका मतलब आपने रेफरेंस एंगल लिखना है यहाँ पे, रेफरेंस एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, जिसको आप रेडियन में लिखोगे पाई बाय 4। जैसे ही आप रेफरेंस निकाल लो, अब आप क्वाड्रेंट डिसाइड करो कि किस क्वाड्रेंट में आपका ये एंगल होगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है, कॉस 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में। तो आप लिखो सिंस कोसाइन फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कि कॉस फंक्शन जो है वो नेगेटिव कहां पे होता है? कॉस फंक्शन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां पे जो भी एक्स होंगे ना, जो भी एंगल होंगे, वो या तो सेकंड में होंगे या वो थर्ड में होंगे। अब फर्स्ट जैसे यहां पे हमने 2 एंगल निकाले थे ना, अब ये दोनों एंगल हम यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे? ये पेपर में डायग्राम बना देना तो बहुत अच्छी बात है, और मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर लगेगा जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा। आप एक क्वाड्रेंट बनाना, रेफरेंस एंगल क्या है? पाई बाय 4। आप सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 रेफरेंस एंगल बना लो। कैसे बनता है रेफरेंस एंगल? मैंने बताया था लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो रेफरेंस एंगल होता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई इस टाइप की लाइन बनेगी दरमियान में, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? पाई बाय 4 रेफरेंस एंगल। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में भी आप बना दो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर इस टाइप की लाइन होगी तो ये रेफरेंस एंगल पूरा क्या होगा? पाई बाय 4। आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रेफरेंस एंगल आप निकालोगे। जैसे ही रेफरेंस एंगल आ गया, उसके बाद आप क्वाड्रेंट डिसाइड करो। कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने क्या करना है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाके रेफरेंस एंगल बना देना, 4 रेफरेंस एंगल बना देना। पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। तो बिल्कुल दरमियान में आप एक लाइन बना दो सेकंड क्वाड्रेंट में भी, दरमियान में एक लाइन बना दो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाएगी। आपने बस रेफरेंस एंगल मालूम करना था, रेफरेंस एंगल आपको बस हल गया, पाई बाय 4 है। अब आप अपनी डायग्राम कितनी रहने दो। ठीक है, ये रहने के बाद आप क्या करो? सिंपल एंगल मेजर कर लो। क्वेश्चन बता सकता है एंगल हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं ना, क्वेश्चन बता सकते हैं कि पूरा एंगल कितना होगा? एक्सीलेंट भाई, देखो ये पूरा एंगल यहां तक 90 डिग्री होता है। ठीक है, और मैंने बताया था ये आपने लाइन बिल्कुल दरमियान में बनाई है,
तो अगर ये रेफरेंस एंगल 45 है ना, तो उसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 होगा। 20 नहीं है भाई, 135 है। तो ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 है, क्योंकि लाइन आपने बिल्कुल दरमियान पे बनी थी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको खुद देखने हैं, डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल क्या बन रहा है। तो यहां तक y एक्सिस तक तो एंगल 90 डिग्री होता है, 90 के बाद 45 डिग्री एंगल है। तो 90 प्लस 45 क्या होता है, इसको इस तरह समझ लो बिलफर्ज, अगर आप मैंने इस तरह बनाया कि यार रेफरेंस एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो अगर रेफरेंस एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल ये वाला पूरा कितना एंगल है, तो अब आप बोलोगे 120 डिग्री, क्योंकि वाई एक्सिस तक 90 था, 90 के बाद आपने कितना ट्रेवल किया 30, तो अभी ओवरऑल पूरा एंगल कितना बन जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह कंसीडर कर लो रेफरेंस एंगल है आपका 30, तो लाइन आपकी इस टाइप की बन रही होगी, ये पूरा 30 है, तो आपको उसमें बता सकते हैं ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, 130। एक्सीलेंट, क्यों, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये पूरा होता है 90 डिग्री, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 150 डिग्री। जितनी जल्दी आप लोग बातें सीख जाओगे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के हाथ में आ जाएगी, मतलब फंस जाओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बातें लेकिन बहुत मुश्किल भी हैं, तंग बड़ी करती हैं। तो सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल बना लिया सेकंड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि हमें पता है कॉस नेगेटिव होता है। उसके बाद आप सिंपल एंगल मेजर कर लो, तो ये वाला एंगल कितना है 135 डिग्री, जिसको रेडियन के अंदर हम लिखेंगे 3π/4। ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, आसानी से मालूम कर सकते हो आप, मालूम करने का सिंपल तरीका। एक्सीलेंट भाई, डायग्राम आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको डायग्राम पता है आसानी से हर चीज मेजर कर सकते हो। डायग्राम में अगर आप देखो ओवरऑल ये तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री है, फिर 180 के बाद अगर आपको याद हो ये पूरा एंगल रेफरेंस एंगल 45 डिग्री था, तो 180 के अंदर अगर आप 45 ऐड करो तो ये वाला एंगल आ रहा है। इसका मतलब ये है 225 डिग्री, जिसको रेडियन के अंदर आप लिखोगे 5π/4। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास दोनों एंगल आ जाए मामला आपका खत्म, आप लिखोगे सबसे पहला एंगल क्या है, देयरफॉर फर्स्ट एंगल क्या है, आपने निकालने होते 0 और 360 के दरमियान दो एंगल जो कि आपने निकालनी है। फर्स्ट एंगल है यहाँ पे 3π/4, सेकंड एंगल आपने कैसे निकाला, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो, क्योंकि हमने तो डायग्राम से निकाला ना, अगर आप फॉर्मूला बनाना भी चाह रहे हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल 3π/4 के अंदर आप 90 डिग्री ऐड कर दो। देखिए जरूरत नहीं है, डायग्राम से हमने क्लियर की हुई है बात, तो सिंपल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5π/4। चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर रेफरेंस एंगल 45 था, 45 है ये वाला 45 है, तो इसका मतलब 3π/4 के अंदर आपने 90 डिग्री ऐड की, मतलब π/2 आपने ऐड किया 3π/4 के अंदर, तो आपके पास आंसर आ गया 5π/4। तो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि 3π/4 के अंदर मैंने 90 डिग्री ऐड की है। एज्यूम कर लो अगर ये वाली सिचुएशन होती, मैं आपको बाकी सवाल भी साथ साथ समझा रहा हूँ ताकि मसला आप लोगों के सॉल्व होते रहे। ये जो डायग्राम है ना, ये किसकी होगी, ये डायग्राम होगी cos x इक्वल टू -1/2, इसकी डायग्राम होगी। तो रेफरेंस एंगल अगेन 60 डिग्री है, क्योंकि माइनस को आप इग्नोर कर देना, रेफरेंस एंगल यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा होगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक आपने यहाँ पे रेफरेंस एंगल बना लिया 60, एक आप यहाँ पे बना दोगे रेफरेंस एंगल 60। तो अब जो पहला एंगल आपके पास आ रहा है 120, इसके अंदर आप क्या ऐड करो, इस 120 के अंदर अगर आप ये पूरा 120 ऐड करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ये पूरा 120 है और ये वाला भी ऑब्वियसली 120 है, तो 120 के अंदर 120 ऐड करो 240 डिग्री, तो एक एंगल होगा 120 और एक एंगल पूरा क्या हो जाएगा 240 डिग्री हो गया। तो इस वाले केस में आपने क्या ऐड किया, इस वाले केस में आपने पहले वाले एंगल के अंदर 120 ऐड कर दिया, इस वाले केस में पहले वाले एंगल में आपने 90 डिग्री ऐड कर दिया, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तभी मैंने कहा था अगर डायग्राम बना दोगे सारे मसले हल होंगे, डायग्राम से आसानी से नजर आ रहा होगा यार सेंस बना रही है बात, चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन कोई खास चीज नहीं है इसलिए चलो रहने देते हैं, छोड़ो। तो अब बारी आ गई सॉल्यूशन सेट लिखने की, तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 2n π ऐड कर दो, 3π/4 प्लस 2n π यूनियन 5π/4 n π। तो बच्चों मैंने पॉजिटिव का भी केस करवा दिया, नेगेटिव का भी केस करवा दिया, कॉस के अंदर अब आप लोगों को मसला होना नहीं चाहिए। तो कॉस के और कौन कौन से सवाल हैं बुक में, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंपल कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, अगेन आपको रेफरेंस एंगल निकालना है। भाई कॉस 1 कहाँ पे होता है, बच्चों 1 0 पे। एक्चुअली ये कौन स्टूडेंट है, ये आपका नाम क्या, कौन जवाब दे रहा है बार बार, नीतीश। तो अच्छी ट्रिग्नोमेट्री होगी, कॉस 0 जो है, कॉस 0 1 होता है,
इसी तरह कॉस के अंदर अगर 360 पुट करो तो भी वन होता है। लेकिन ये ना एक स्पेसिफिक किस्म की इक्वेशन है, इसमें आप दूसरा एंगल निकालना नहीं, उसकी वजह है। फॉर एग्जाम्पल पहला एंगल आप निकालो तो पहला एंगल जीरो आ रहा है, दूसरा एंगल अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो तो वो 360 ही आएगा। मतलब हम नॉर्मली जीरो और 360 के दरमियान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 360 आ रहा है, वो ना लिखो तो बेहतर है। मैं वजह बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ। कंसीडर कर लो, आप कहते हो सर नहीं मैंने लिखना ही लिखना है, मैं 360 मैं दोनों एंगल निकालना चाह रहा हूँ, मैं जीरो भी निकालना चाह रहा हूँ, मैं 360 भी निकालना चाह रहा हूँ। मैं कहूंगा यार बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। जब तुम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो मसला क्या होगा, मैं ये वाले डायग्राम में डाल देता हूँ। जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो असूलन तौर पे क्या होगा, पहला वाला एंगल आया जीरो, रेडियन के अंदर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2n पाए, और दूसरा आ जाएगा 360 डिग्री, 360 होता है 2 पाए। एक आया जीरो मतलब ये रेडियन के अंदर जीरो होगा और ये रेडियन के अंदर 2 पाए होगा, तो ये सिचुएशन बनेगी। अगर तुम जनरल सॉल्यूशन लिखोगे ना इस तरीके से तो ये सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे जीरो लिखो ना लिखो बात एक ही, तो इसका मसला क्या है, मसला क्या होगा, मसला है कि वैल्यूज रिपीट कर रही है यहाँ पे, रिपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एन की जगह यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो आंसर जीरो मिल रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एन की जगह अगर आप जीरो पुट करोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, आंसर आपको 2 पाए मिलेगा। तो एन की वैल्यू जीरो पे, इसने आपको आंसर दिया जीरो, जब आप एन जीरो पुट करोगे खत्म हो जाएगा, जस्ट 2 पाए आंसर मिलेगा। अभी तक तो बिल्कुल सही बात है, आंसर हमें मिल रहा है। मसला होगा फॉर एग्जाम्पल आप एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे पहले में इसके अंदर जगह 1 पुट करोगे तो ये आंसर देगा 2 पाए, और इसके अंदर 1 पुट करो ये 2 पाए हो जाएगा, 2 पाए + 2 पाए 4 पाए। आप ऑब्जर्व करो ये 2 पाए ऑलरेडी आपके पास आ चुका था, एन की जगह जीरो पुट किया था, एन की वैल्यू 1 पे दोबारा 2 पाए आपको मिल रहा है। का मतलब इस वाले सॉल्यूशन में जो एंगल आपको मिल रहे हैं ना वो आपको बाद में इसमें जाके मिल जाएंगे, और यहाँ पे 2 पाए मिल रहा था ना आपको, अगेन 2 पाए आपको इसके अंदर मिल गया, तो वैल्यू ना रिपीट कर रही होंगी बार बार। इसी तरह ये जो 4 पाए है ना, एन की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 4 पाए मिलेगा। तो दैट्स वाई इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, जो स्पेसिफिक एक इक्वेशन है ना cos x = 1, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव x एक्सिस। cos 1 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे होता है ना, यहाँ पे इस जगह पे cos पॉजिटिव x एक्सिस पे 1 होता है। तो सिंपल इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं 2n पाए, दैट्स इट, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। क्यों, आप n की जगह यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करो तो 360 आ जाएगा पूरा, n की जगह 2 पुट करो दो दफा रेवोल्यूशन करने के बाद 720 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो एंगल है ना ये पूरा 360 के बाद आता है, सबसे पहले 0 फिर 360 फिर दोबारा करो 720। तो कहने का मतलब ये सारे एंगल कवर हो जाएंगे अगर आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा 2n पाए। तो सिंपल इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे 2n पाए, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। स्टेप्स आप किस तरह बनाओगे, यहाँ पे 2 एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आपने जो पहला एंगल निकाला होगा वही काफी होगा, पहला एंगल 0 निकाला है आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है cos 0 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव x एक्सिस पे होता है, तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा 360 आ रहा होगा, हम 0 और 360 के दरमियान निकालते हैं, तो 360 तो 360 के ऊपर आ रहे ना, दरमियान में आपने निकालना होता है, 315 आ जाए 300 आ जाए, तो दरमियान में एक ही एंगल आपको, वैसे 0 भी दरमियान में नहीं है, 0 भी उसके ऊपर ही है, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे 0 निकालोगे, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे इसका, 0 + 2n पाए। आपको पता है 0 + 2n पाए क्या होगा, सिंपल 2n पाए के बराबर होगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि आप वैल्यू रिपीट नहीं कर रही होंगी, आपको सारी मिल रही होंगी, जबकि जो पहले मैंने करवाया था उसमें वैल्यू आपके पास बार बार रिपीट हो रही होंगी, फायदा रिपीट करने का, क्योंकि यूनियन में आप रिपीट तो नहीं करते ना, यूनियन में आप वही वैल्यू लिखोगे जो यूनिक है, तो इतनी फालतू वैल्यूज लिखने की क्या जरूरत है कि जो बार बार रिपीट करें। तो अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे होता है 2n पाए, ठीक है। तो कॉस वाले सारे सवाल खत्म हो गए 12.3 के अंदर, इसी में से सवाल आएंगे, बुक से हट के सवाल नहीं आते। अगर आप एग्जाम्पल में भी देखो ना तो एग्जाम्पल में भी कॉस का सवाल है, सवाल है cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, एग्जैक्ट यही सवाल है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कॉस के सारे सवाल जो है हमारे कंप्लीट हो गए, यही टेक्निक आपने साइन पे भी लगानी है, टेंजेंट में हल्का फुल्का फर्क होगा लेकिन सेम काम साइन के अंदर भी होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना इसमें तो 12.4 12.5 में आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी सेम यही टॉपिक है, बस थोड़ा रिफाइन कर दिया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट आप लोग अभी सीख रहे हो कि 2 एंगल आपको निकालने होते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आप लोग यहीं से सीख रहे हो। अच्छा अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन निकाला है विदाउट इनवर्स, एक सॉल्यूशन निकालने का बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन हो
तो आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन इनवर्स वन, आप लोग पुट करते हुए भी आयो, लेकिन ये आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। हमने भी इनवर्स फंक्शन देखो डिस्कस भी नहीं किए, तभी मैंने कहा था दो किस्म के सॉल्यूशन, दो तरीके होते हैं यहाँ पे। एक तो है कि आप जस्ट ग्राफ से निकालो, हम ग्राफ बना रहे थे, हम निकाल रहे थे उससे, और दूसरा तरीका है कि आप इनवर्स फंक्शन यूज करो, वो 12.4 का टॉपिक है, 12.5 का। लेकिन ये वाला मेथड आपको मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को यही सॉल्व करके देगा। ये तो इजी इक्वेशन के लिए तो सही है, लेकिन मुश्किल के लिए फिर आप इस मेथड की तरफ जाओगे। तो दो मेथड है जिसमें से पहला वाला आप लोग अभी सीख रहे हो। अब 12.3 पे आते हैं, साइन के कौन से सवाल है। एक तो साइन का बहुत बेसिक्स है, 1/2 वाला आप लोग यार। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जरा नेगेटिव वाला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर लेट से 7 करवा देता हूं मैं, साइन एक्स प्लस √3/2। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, वही रेफरेंस एंगल निकालने हैं, वही उसके बाद दो एंगल निकालने हैं, उसी तरीके से जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। साइन एक्स हो जाएगा माइनस √3/2। ठीक है, आज सॉल्यूशन के ऊपर सबसे पहले आपने निकालना है यहाँ पे रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होगा, माइनस को इग्नोर कर दो, तो भाई साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन 60। एक्सीलेंट भाई, रेफरेंस एंगल यहाँ पे आ जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। नेगेटिव को आपने इग्नोर करना है और कैलकुलेटर में जाना है, साइन 30 पुट करो, साइन 45 पुट करो, साइन 60 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। जब रेफरेंस एंगल आ जाए उसके बाद आपको दो एंगल निकालने होते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट के अंदर है। देखो साइन का आंसर नेगेटिव आ रहा है, और आपको याद हो साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ करता था, इसका मतलब तीसरे और चौथे में नेगेटिव होगा। तो आप लिखो सिंस साइन फंक्शन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, देयरफॉर जो आपका पहला एंगल होगा और दूसरा एंगल होगा, देखते हैं कैसे निकालते हैं पहला एंगल और दूसरा एंगल। डायग्राम बनाओ सिंपल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब डायग्राम किस तरह बनानी है, सबसे पहले आपको रेफरेंस एंगल पता होना चाहिए, रेफरेंस एंगल π/3 है। दूसरी बात, किस क्वाड्रेंट में एंगल है, थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो आप क्या करो, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का रेफरेंस एंगल बना दो। रेफरेंस एंगल क्या होता है, लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान। तो तकरीबन मैं लाइन इस तरह बनाता हूँ, ये पूरा एंगल आपको दिखने में लग रहा है 60 डिग्री है। तो एक रेफरेंस एंगल मैंने बना दिया क्वाड्रेंट में, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप बना दो, दिखने में आपको लग रहा है तकरीबन 60 डिग्री है। याद रखना रेफरेंस एंगल बार बार बता रहा हूँ, लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो मैंने एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दिया, एक थर्ड क्वाड्रेंट में बना दिया। जब बना दिया तो उसको मिटा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में बना दिया। उसके बाद बड़ा इजी काम है, आपको बस फिगर आउट करना है ये पूरा एंगल कितना है। तो बताओ ये पूरा एंगल कितना है, 240। क्यों नहीं 240 सही है, बिल्कुल भाई। देखो यहां तक एंगल 180 डिग्री है, 180 के बाद रेफरेंस एंगल कितना था, 60 था, तो 180 के अंदर जब आपने 60 ऐड किया तो ये एंगल आएगा, इसका मतलब ये 240 डिग्री है। अब जरा बाकी स्टूडेंट ट्राई करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट तो फुल फॉर्म में, जरा बाकी ट्राई करके बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा। एक्सीलेंट भाई, अगेन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फुल रोटेशन कितनी होती है 360, लेकिन ये 60 डिग्री है पूरा, इसका मतलब 60 डिग्री पहले आप रुक गए हो ना, तो आप 60 डिग्री पहले रुक गए हो, टोटल 360 होता है, आप 60 डिग्री पहले रुक गए हो, इसका मतलब पूरा एंगल कितना है 300 है। बस इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन के अंदर, मैंने बहुत आसानी से बताया था रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आप देखो इसको 30 का टेबल से भी पढ़ सकते हो और 60 के टेबल से भी पढ़ सकते हो, 64 जा होता है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 240 आता है ना, 60 रेडियन में क्या होता है π/3, तो सिंपल π/3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। इसी तरह 300, 60 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आता है, इसका मतलब 60 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 5π/3। बस खत्म, दोनों एंगल आपके पास आ गए, डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। उसके बाद अब बारी रहेगी सॉल्यूशन सेट की, तो सॉल्यूशन सेट लिख लेना। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पहला एंगल है 4π/3 प्लस 2nπ, इसी तरह यूनियन। दूसरा एंगल है 5π/3। तो मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को सॉल्यूशन होगा इस टाइप की, जितनी भी इक्वेशन है
साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो। अच्छा पॉजिटिव के क्या करना है, पॉजिटिव तो बहुत आसान है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ करेगा। तो बिल्फर्ज अगर यहाँ पे होता साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, तो रेफरेंस एंगल आता 60 डिग्री, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का बना देते, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी आप 60 डिग्री का बना देते, यहाँ पे भी आप 60 डिग्री का बना देते, एक एंगल तो 60 आ जाता और दूसरा एंगल आपके पास 120 आ जाता। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते। तो साइन और कॉस एक जैसे ही है, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मैं एक ही सवाल आप लोगों को करवा रहा हूँ, बाकी के मसला हो तो आप लोग पूछ लेना। अच्छा साइन की भी कोई स्पेशल इक्वेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास ये आ जाए साइन एक्स इज इक्वल टू वन, अब इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, साइन 90 पे वन होता है, अब आप दूसरा एंगल यहाँ पे नहीं निकालोगे, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल 90 पे वन होता है ना, साइन जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे वन होता है, तो यहाँ पे साइन वन है, उसके बाद वन कहाँ पे होता है, वन कहीं पे भी नहीं होता, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है दूसरा कौन सा एंगल होगा। हाँ अगर आप नेगेटिव बात करो तो नेगेटिव माइनस 270 है, लेकिन हम मैंने बताया पॉजिटिव में डील करते हैं, नेगेटिव में डील नहीं कर रहे होते, अगर कोई नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव हम कर देते हैं। तो दैट्स वाई एक ही एंगल आपको मिलेगा 0 से लेकर 360 के दरमियान, जिसपे साइन की वैल्यू क्या है, 1 होती है, सिंपल 90 डिग्री आ रहा होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, 90 डिग्री प्लस 2n पाई, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपके पास आ जाए साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब इस पे आपके दो आंसर मिलेंगे, क्यों, साइन जीरो कहां पे होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा 0 और एक एंगल आ जाएगा पाई। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, 0 के अंदर 2n पाई ऐड करो और इसमें हो जाएगा पाई के अंदर 2n पाई ऐड करो, तो ये तो 0 ऐड करो ना करो बात देखिए, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप वेरीफाई करके भी देख लो, आप एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 आंसर आएगा, जब आप यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई आंसर आएगा, जब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 पाई आंसर आएगा, 2 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी साइन 0 होगा, और जब यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करोगे तो 3 पाई आएगा, 3 पाई कहाँ होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। कहने का मतलब ये सारे एंगल जो है ये सारे एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, जिसपे साइन वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो कुछ स्पेशल इक्वेशन आ सकती है जिनके सोल्यूशन बड़े ईजी होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मसला कर सकते हैं। इसी तरह कॉस के अंदर आपने देखा था ना, अगर साइन के अंदर आ जाए -1, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो बताओ एक सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कहाँ पे होता है, जल्दी बताओ, साइन की वैल्यू -1 270, एक्सेलेंट 270, पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 होता है, नेगेटिव y एक्सिस पे -1 होता है, तो ये पूरा एंगल क्या है, 270 डिग्री है। अगेन आपको एक ही एंगल मिलेगा, 0 और 360 के दरमियान एक ही एंगल है, 270 होता है 3π/2, इसके अंदर 2n π ऐड करना सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे एक ही एंगल आपको मिलेगा। तो बस आप लिखते जाओ इस तरह, बनाते जाओ, बनते जाएंगे, आपके पास कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ स्पेशल इक्वेशन है। इसी तरह कॉस में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉस इज इक्वल टू, हमने डिस्कस किया था हमने कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ये कहाँ पे होगा, ये तो डिस्कस किया हुआ मैंने, हाँ ये 0 पे होता है ना, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था सिंपल 2n पाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कॉस इज इक्वल टू -1, तो कॉस की -1 वैल्यू होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, एक ही सॉल्यूशन है 180 डिग्री, जिसको आप पाई कहते हो, 0 और 360 के दरमियान ये वाहिद वही है जिसपे आपका कॉस जो है वो -1 होता है, और कोई एंगल नहीं है ऐसा। तो फिर आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पाई प्लस 2n पाई। इसी तरह बिल्फर्ज अगर आ जाए कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो खैर मैंने बता दिया सर, कॉस 0 होता है 90 के ऊपर, या तो 90 के ऊपर 0 होता है या 270 के ऊपर होता है, मतलब 0 कहने का मतलब जैसे साइन था ना, साइन 0 होता था एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब 0 और 180 डिग्री, कॉस 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस के ऊपर, 90 270, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 और 3π/2, 90 और 270 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बस जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पाई बाय 2 में 2n पाई ऐड करो, इसी तरह 3π/2 में 2n पाई ऐड करो, आपके पास आंसर आते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखनी है, जो कि आगे एक्सरसाइज में आपको काफी काम आने वाली है, 12.5 के अंदर मेन कॉन्सेप्ट यही है, 12.5 के अंदर 12.4 थोड़ी डिफरेंट है, वो बस सीखोगे आप लोग, 12.5 मेजोरिटी आप लोग अभी सीख रहे हो,
दो एंगल निकालना, जनरल सॉल्यूशन निकालना, ये सब टॉपिक 12.5 के, क्योंकि 12.5 में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन वो मुश्किल है, लेकिन एट दी एंड इसी पे आप आ जाओगे, मुश्किल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे आप, और इसके बाद आपको सॉल्व करना अभी से सीख रहे हो, तो इंशाल्लाह 12.5 में आप लोगों को मसला नहीं होगा। देखो टेंजेंट का केस थोड़ा अलग होगा, उसकी वजह यह है कि टेंजेंट का पीरियड जो है वो जीरो से लेके पाई होता है, पाई पीरियड है टेंजेंट का। तो टेंजेंट में क्या करेंगे, जैसे साइन और कॉस में आप जीरो और टू पाई के दरमियान एंगल मालूम किया करते थे, मेजोरिटी केसेस में दो एंगल आते थे या किसी एक केस में एक एंगल आपके पास आया करता था, सेम टेंजेंट के अंदर भी आप ये करोगे, जीरो और पाई से लेके आप एंगल मालूम करोगे, और जीरो से लेके पाई के दरमियान एक ही एंगल हमेशा आपको मिलेगा। तो टेंजेंट के केस में आप हमेशा एक ही एंगल निकालोगे और उसी एंगल की मदद से आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकाल रहे होगे, ठीक है। तो जीरो से लेके पाई के दरमियान आपको एक एंगल मालूम करना होगा, जैसे ही वो आ जाए उसके बाद जनरल सॉल्यूशन आप आसानी से लिख दोगे। कैसे, बेसिक सी बात डिस्कस करते हैं, टेंजेंट की कोई पॉजिटिव इक्वेशन कौन सी है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, वो डिस्कस करते हैं। टेंजेंट एक्स -1/√3 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1/√3। अब जरा कैलकुलेटर से मालूम करके बताओ टेंजेंट कहाँ पे 1/√3 होता है? 60 नहीं, 1/√3 30। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे आएगा पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री। कैलकुलेटर वैसे आपको 1/√3 नहीं देगा, कैलकुलेटर में अगर आप टेंजेंट 30 पुट करोगे ना तो कैलकुलेटर आपको √3/3 दे रहा होगा। वही बात मैंने बताई है, कैलकुलेटर रैशनलाइज कर देता है, इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना तो आपके पास √3/3 आ रहा होगा, तो कैलकुलेटर इसको इस तरह देगा, कैलकुलेटर में टेंजेंट 30 डिग्री में आपको ये आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब रेफरेंस एंगल यहाँ पे निकाल लिया पाई बाय 6। जब रेफरेंस एंगल आप निकाल लो, आपने देखना है कि यार अब आप जीरो से लेके पाए तक की डिस्कशन कर रहे हो, जीरो से लेके टू पाए तक नहीं आप जा रहे, जीरो से लेके पाए तक की डिस्कशन चल रही है यहाँ पे। तो जीरो से लेके पाए के दरमियान दो ही क्वाड्रेंट है और एक सेकंड है, तो आपने बस ये मालूम करना है कि फर्स्ट में है या सेकंड में। कितना आसान चीज है ये, फर्स्ट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो अगर आप देखो टेंजेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप रेफरेंस एंगल बना दो पाई बाय 6, 30 डिग्री, मतलब वो यहाँ पे बन जाएगा। तो दैट्स इट, फर्स्ट और सेकंड में आपने कोई एक सॉल्यूशन निकालना होता है जीरो से लेके पाए के दरमियान, तो जीरो से लेके पाए के दरमियान आपने सॉल्यूशन निकाल लिया 30 डिग्री, बस लिख दो आप। तो आप लिख दो सिंस टेंजेंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 ही हो जाएगा। यहाँ जैसे पाई बाय 6 आया, अब आप लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, पाई बाय 6 प्लस एन पाई, ये फर्क है साइन और कॉस में। साइन कॉस में आप 2nπ ऐड करते थे, जबकि टेंजेंट के केस में आप nπ ऐड करते हो। अब इसकी वजह क्या है, सबसे पहले एक बेसिक बात सीख लो, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया या ना ऑब्जर्व किया, मैंने साइन आपको बताया था सर्कल के अंदर कि साइन होता है वाई वैल्यू और कॉस होती है एक्स वैल्यू। मैं एंगल चेंज कर लेता हूं ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, कि साइन होती है वाई वैल्यू, कॉस होती है एक्स वैल्यू। आपने ऑब्जर्व की होगी बात कि जब भी हम साइन की बात करते हैं तो हम इस तरह बात करते हैं, हम बोलते हैं कि साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, हम बोलते हैं साइन नेगेटिव है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस तरह हम जा रहे होते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ। लेकिन जब हम कॉस की बात करते हैं तो हम इस तरह जाते हैं, हम बोलते हैं कॉस पॉजिटिव कहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ में, कॉस नेगेटिव कहाँ पे, सेकंड और थर्ड में। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, साइन में इस तरह जाते हो, कॉस में इस तरह जाते हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि साइन जो है ना ये आपको वाई वैल्यू बताती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एंगल बना रहे हो 45 डिग्री का, फॉर एग्जांपल सेम यहाँ पे भी आप एंगल बनाओ 45 डिग्री का, इसकी भी वाई वैल्यू ये है और इसकी भी वाई वैल्यू ये है, दोनों की वाई वैल्यू सेम ही है ना। कंसिडर कर लो जो इसकी हाइट है सेम इसकी भी वही हाइट है, तो कहने का मतलब 45 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। 45 और 135 की दोनों की वाई वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, 45 डिग्री का और 135 डिग्री का यहाँ पे बनेगा। तो अगर आप देखो 135 और 45 इनकी सेम हाइट है, दैट्स वाई आप देखते हो कि साइन होती है ना वाई वैल्यू, तो वाई वैल्यू इस तरह सेम होगी, इन दोनों क्वाड्रेंट में वाई वैल्यू सेम होगी, इसी तरह नीचे के दोनों क्वाड्रेंट में वाई वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका एंगल है, कंसीडर कर लो ये पूरा एंगल है, अगर आप रेफरेंस एंगल बना रहे हो 60 डिग्री का, तो यहाँ पे भी आप एक रेफरेंस एंगल बना दो 60 डिग्री का, ये पूरा एंगल हो जाएगा 240 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा
300 डिग्री। तो आप देखो 240 और 300, इन दोनों पे वाई वैल्यू आपको सेम मिलेगी, इसकी भी वाई वैल्यू ये है और इसकी भी वाई वैल्यू ये है। तो दैट्स व्हाई साइन में आप इस तरह जाते हो दोनों क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन आपको वाई वैल्यू बताता है और जो कॉस है ये आपको एक्स वैल्यू बताता है, दैट्स व्हाई आप इस तरह जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 45 बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में ना, तो सेम 45 का यहाँ पे बना दो, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री और ये पूरा एंगल हो जाएगा 315 डिग्री। इन दोनों पे कॉस की वैल्यू सेम होगी क्योंकि कॉस आपको एक्स वैल्यू बताता है। अगर आप देखो यहाँ पे आप खत्म करो, इसकी एक्स वैल्यू क्या है, ये पूरी एक्स वैल्यू है, तो सेम इसकी भी तो ये पूरी एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू होती है ये वाली। तो अगर आप देखो इन दोनों पे एक्स वैल्यू यही है, जबकि वाई वैल्यू में फर्क है, क्यों, ये वाली वाई वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वाई वैल्यू नेगेटिव है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, लेकिन एक्स वैल्यू देखो दोनों पॉइंट की सेम है, दोनों की पॉजिटिव है, दोनों की सेम है। दैट्स व्हाई जब हम कॉस की बात करते हैं तो इस तरह बात करते हैं क्योंकि कॉस आपको एक्स वैल्यू देता है, जब साइन की बात करते हैं तो हम इस तरह बात करते हैं क्योंकि ये वाई नेगेटिव तो ये भी वाई नेगेटिव, इसी तरह अगर ये वाई पॉजिटिव तो ये वाला वाई पॉजिटिव, इसी तरह अगर कॉस अगर नेगेटिव आ जाए तो सेम वही बात आप कर सकते हो। यहाँ पे हम एंगल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल 135 डिग्री का, इसी तरह यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ये हो जाएगा तकरीबन 225 डिग्री का। तो आप देखो इसकी भी यही एक्स वैल्यू है, इसकी भी यही एक्स वैल्यू है, दोनों की एक्स वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। तो ये कॉस और साइन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कॉस एक्स वैल्यू होता है, दैट्स वाई इन दोनों क्वाड्रेंट में, चाहे वो सेकंड और थर्ड हो सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट और फोर्थ हो सकते हैं, कॉस की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह साइन इस तरह पॉजिटिव, मतलब इस तरह सेम होगा, या तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने सीखा है इस वक्त, ये बात समझ आई है सबको? अच्छा सर, अब यहाँ पे आप टेंजेंट का जिक्र करो, टेंजेंट जो है ना बच्चों वो अक्रॉस सेम होता है। अगर आपने टेंजेंट पे कोई यहाँ एंगल निकाला ना 45 डिग्री का, तो इसी लाइन को आप पीछे एक्सटेंड कर दो तो जो ये एंगल होगा सेम होगा। कि अगर एक एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है तो दूसरा एंगल आपको थर्ड में मिलेगा, उस लाइन को आप बस पीछे एक्सटेंड कर दो। अगर ये साइन वाला केस होता तो अगर 45 यहाँ पे 45 आपको यहाँ पे मिलता, अगर ये कॉस का केस होता 45 यहाँ पे 45 यहाँ पे, लेकिन टेंजेंट में आप क्या करते हो अक्रॉस जाते हो, अगर यहाँ पे 45 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले जाओगे। इसी तरह अगर आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो, जो टेंजेंट 45 है वही टेंजेंट 225 होगा, क्योंकि टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर कोई एंगल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है 135 डिग्री, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये जो पूरा एंगल होगा ना 315 डिग्री, सेम आपको टेंजेंट की वैल्यू मिलेगी, जो 135 है वही 315 पे मिलेगी आपको। तो टेंजेंट या तो सेकंड फोर्थ में बनेगा या फर्स्ट थर्ड में बनेगा, ये टेंजेंट के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं सॉल्व करने, सॉल्व तो कर लिए, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि टेंजेंट के अंदर एन पाई आप क्यों ऐड करते हो। तो इसकी डायग्राम बनी थी यहाँ पे, ये था तकरीबन एंगल। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर यहाँ पे आपको पाई बाय सिक्स मिल रही है तो सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल बनाऊं तो यहाँ पे भी टेंजेंट की वैल्यू सेम होगी। अगर ये पाई बाय सिक्स है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है? मैंने खराब बनाई, एक सेकंड रुको, अभी ट्राई नहीं करना, बिल्कुल इसको पीछे एक्सटेंड कर दो। अब बताओ ये एंगल पूरा क्या बन रहा होगा, के अंदर बात नहीं होगी, 240 एक्सीलेंट। मैं इसको इस तरह समझो कि अगर आपने एक लाइन बनाई ना इस तरीके की, ये फॉर एग्जांपल अगर पाई बाय सिक्स एंगल है, इसको अगर आप नीचे एक्सटेंड करोगे तो अगर ये पाई बाय सिक्स है ना तो ये वाला भी पाई बाय सिक्स होगा, अगर ये वाला एंगल पाई बाय सिक्स है तो ये वाला एंगल भी पाई बाय सिक्स होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अगर ये पाई बाय सिक्स है ये 30 होगा, अगर ये सॉरी ये पाई बाय सिक्स नहीं पाई बाय थ्री बनाया मैंने 60 डिग्री, तो अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और ये अगर 30 है तो ये छोटा सा भी क्या होगा 30 होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर मैं बोले अगर मैंने इस सवाल में पाई बाय सिक्स है ना, यार पाई बाय सिक्स मेरे ध्यान में था 60 होता है, 30 होता है ना पाई बाय सिक्स, मैं उसके मुताबिक डायग्राम बनाता हूँ, पाई बाय सिक्स थोड़ा छोटा होगा यहाँ पे होगा, तो अगर ये वाला पाई बाय सिक्स है ना आप इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी पाई बाय सिक्स होगा। तो ओवरऑल अगर आप इसकी बात करो ये वाला पूरा एंगल क्या कहलाया जाएगा, 180 में आप 30 ऐड कर दो 210 डिग्री, तो ये ओवरऑल पूरा एंगल क्या हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा यहाँ।
इस तरीके से थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक मैथ आती है ना इस तरीके से एक्सटेंड करना तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो। खैर आ जाओ सॉल्यूशन पे, बार बार मैं आगे पीछे निकल जाता हूँ, सॉल्यूशन नहीं समझा पा रहा। ये पाई बाय सिक्स है तो दोबारा बनाते हैं आखिरी दफा पाई बाय सिक्स, ये पाई बाय सिक्स बन गया। तो अब टेंजेंट के अंदर आप क्या करते हो, आप टू पाई ऐड नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि टू पाई अगर आप ऐड करोगे तो कुछ आप मिस कर दोगे। अगर ये पहला एंगल है पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री, इसके अंदर जब मैं 360 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 390 डिग्री। जब आप 30 के अंदर 360 ऐड करोगे, 30 + 360 तो आपको क्या मिलेगा? 390। और 390 कौन सा एंगल होगा? ये वाला। मतलब 360 आप ऐड करोगे ना टेंजेंट के अंदर तो आपको बार बार ये वाला एंगल मिलता जाएगा, और आप मिस कर रहे होगे एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है सेम वैल्यू होती है जो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब अगर इसके अंदर 360 ऐड करोगे तो बार बार आप क्या करते जाओगे, इसी एंगल पे रुकते जाओगे, आप ये वाला एंगल मिस करते जाओगे। तो अब इसका हल क्या है? इसके दो हल हैं। बुक ने बात थोड़ी गलत दिखी हुई है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। बुक ने एक पॉइंट थोड़ा गलत दिखा हुआ है, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलत दिखा हुआ है। कि मैंने आपको मसला बता दिया कि अगर आप टेंजेंट के अंदर एक एंगल निकाल रहे हो ना, उसका मसला क्या होगा? अगर आप उस एंगल में ऐड करते जाओगे तो आपको बार बार ये वाला एंगल मिलता जाएगा। ये पूरा 30 है, आप 360 ऐड करो दोबारा ये आ जाएगा, फिर 360 ऐड करो दोबारा ये आएगा। तो आप एंगल मिस कर दोगे जो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब इसका हल हम कैसे निकालें? इसका हल क्या है? सबसे पहला हल ये है कि आपके पास जो एंगल आया है ना, आप उसके अंदर 360 ऐड ना करो, 180 डिग्री ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल ये पाई बाय सिक्स आया था, पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री, आप इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर दो, क्या आएगा? 210 डिग्री। ये वो एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। मतलब 210 डिग्री इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ये वाला पूरा एंगल क्या होगा? 210 डिग्री। तो अब आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल आ रहे होंगे, सही है? उसके बाद दोबारा आप इसके अंदर 180 ऐड करो, क्या मिलेगा? 390 डिग्री। 390 क्या होता है? वाला पूरा एंगल। दोबारा आप इस पे आ गए, 390 के अंदर अगर आप 180 ऐड करो आप इस पे आ जाओगे, फिर 180 ऐड करो आप इसमें आ जाओगे। इस तरह होगा ये कि आप कोई एंगल मिस नहीं करोगे, आपको फर्स्ट में भी मिल रहा होगा, आपको थर्ड में भी मिल रहा होगा। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, पाई बाय हमेशा टेंजेंट के केस में एन पाई ऐड करते हैं, वेयर एन की जगह 1 पुट करो, इसके अंदर पाई ऐड किया यहाँ पे आ गए, फिर एन की जगह 2 ऐड करो, 6 + 2π यहाँ पे आ गए आप, फिर एन की जगह 3 हो जाएगा 3π, आप दोबारा यहाँ पे आ गए। तो इससे ये होगा कि हमें फर्स्ट और थर्ड दोनों में एंगल्स सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। एक हल तो ये है कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट का जो सॉल्यूशन है वो मिस ना हो, तो आप सिंपल एन पाई ऐड कर दो, एक हल इसका ये होता है। दूसरा हल ये है कि अगर आप कहते हो कि सर मैंने 2n π ही ऐड करना है, मेरा दिल जा रहा है मैं 2n π ऐड करूं, तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे फिर दो एंगल निकालो। साइन कॉस में आप दो एंगल निकालते थे ना, यहाँ पे भी आप दो एंगल निकालो। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल तो आपने निकाल लिया ना पाई बाय सिक्स, आप दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? हमेशा जो भी आपके पास पहला एंगल आया है ना, आप उसके अंदर क्या करो, तो पाई बाय सिक्स के अंदर पाई ऐड करोगे, ये हो जाएगा 7π/6, मतलब ये वाला पूरा एंगल। तो दूसरा एंगल आपके पास क्या आ जाएगा? 7π/6। अब आप क्या करो, आप इन दोनों एंगल का जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से लिखो, पाई बाय सिक्स प्लस 2n π, 7π/6 प्लस 2n π, अब आपका सॉल्यूशन ठीक माना जाएगा। तो अगर आपने 2n π ऐड करना है तो आपको फिर दो एंगल निकालने पड़ेंगे, और दोनों एंगल में अलग अलग आप 2n π ऐड करो। लेकिन अगर आप एक एंगल निकाल रहे हो तो उसके अंदर आप हमेशा n π ऐड करोगे। अब इसके अंदर सेंस क्या बन रही है? सिंपल सी सेंस है, सबसे पहले आप n की जगह 0 पुट करो, तो यहां से आपको पाई बाय सिक्स मिलेगा और यहां से आपको 7π/6 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप n की जगह यहाँ पे 1 पुट करो, तो पाई बाय सिक्स प्लस 2π, ये हो जाएगा सिंपल 390 डिग्री जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब पाई बाय सिक्स के अंदर आपने 2n π ऐड किया तो आपको यहाँ पे एक एंगल मिल जाएगा। सिंपल सॉल्व करो, पाई बाय सिक्स प्लस 2π क्या होता है? 6 + 2π, ये हो जाएगा तकरीबन 13π/6। 13π/6 ये वाला एंगल है। इसी तरह आप इसमें n की जगह 1 पुट करो, ये हो जाएगा 7π/6 + 2π, इसको आप ऐड करो, ये हो जाएगा 19π/6, और 19π/6 क्या होता है? यहाँ पे होता है। तो कहने का मतलब अगर आप अलग अलग निकाल रहे हो ना, तो अब आपके पास 2n π ऐड करो, सॉल्यूशन आपके पास सब ठीक आ रहे होंगे। सबसे बेसिक सॉल्यूशन होगा पाई बाय सिक्स और 7π/6, फिर इसके अंदर जब आप 1 ऐड करोगे तो पाई बाय सिक्स के अंदर 2π ऐड करोगे तो दोबारा यहाँ पे आ जाओगे, इसी तरह दोबारा 2π ऐड करोगे इधर आते जाओगे। तो ये जो पूरा सेट है ना, ये आपको सारे एंगल दे रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जबकि ये सेट है ये आपको सारे एंगल दे रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि आप 2π ऐड करते जा रहे हो। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपने 2π ऐड किया, आपको दोबारा यहाँ पे मिलेगा। मतलब 7π/6 के अंदर जब आप 2π ऐड करोगे यहाँ पे मिलेगा, फिर 2π ऐड करोगे फिर यहाँ पे मिलेगा।
तो कहने का मतलब ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे फर्स्ट के अंदर, ये सब सॉल्यूशन मिलेंगे आपको थर्ड के अंदर, तो उसका मतलब कोई सॉल्यूशन आप मिस नहीं करोगे। लेकिन 2n पाई आप उसी केस में करोगे टेंजेंट के अंदर जब आपने दो एंगल निकाले। अगर आपने एक एंगल निकाला और आपने 2n पाई ऐड किया, इसका मतलब आप मिस कर दोगे, मजा नहीं आएगा। तो मैंने दोनों हल बता दिया, अगर दो एंगल निकाल रहे हो फिर टेंजेंट के केस में 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, और अगर टेंजेंट के केस में एक एंगल निकाल रहे हो तो फिर आपको n पाई ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप थोड़ा बहुत मसला होगा आप लोगों को, क्योंकि पहली दफा आप लोग सीख रहे हो, लेकिन इसको जितना सोचोगे ना बाद में, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बुक में ना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मिस्टेक की है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये है पेज नंबर 364 पे। ये जो मैंने पूरी चीज समझाई है ना, आप जरा बुक की वर्डिंग देखो, उन्होंने कहा मिस्टेक की है। लिखा हुआ पेज 364 पे, फर्स्ट टू फाइंड, बिल्कुल सेकंड लाइन में, फर्स्ट टू फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइप टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के। मतलब इस टाइप की इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन अगर आपने मालूम करने हैं तो वी एड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, बात कर दी उन्होंने, उन्होंने ये वाला सॉल्यूशन आपको दिया। इसको हम बोलोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल हो रहा है पाई से। तो उन्होंने क्या किया कि हम एन पाई ऐड करेंगे, उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम एन पाई ऐड करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन देखो क्या लिखा हुआ आगे, फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई। वो कह रहे हैं कि हम 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान एंगल निकालेंगे, तो दो एंगल आएंगे 0 से लेकर 2 पाई में, और उन दो एंगल के अंदर आप एन पाई ऐड करोगे, ये गलत चीज है। अगर आप दो एंगल निकाल लो तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2n पाई, क्योंकि अगर आप दो एंगल निकाल के एन पाई ऐड करोगे तो देखना अगेन मसला क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एन पाई ऐड करूँ तो देखना मसला क्या होगा, जब आप n की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6 मिल रहा होगा, वो तो बिल्कुल बेसिक केस है। जब आप n की जगह यहाँ पे 1 पुट करोगे ना तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 7 पाई बाय 6, करके देख लेना। जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये मुझे आंसर दे रहा है 7 पाई बाय 6, और सेम यही आंसर मुझे यहाँ पे पहले मिल चुका था जब मैंने n की जगह यहाँ पे 0 पुट किया था। तो ये वही मसला होगा जो मैंने पहले आप लोगों को कॉस के चक्कर में बताया था, कि यहाँ पे भी आपको वही एंगल मिल रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको वही मिल रहे होंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पे आपको यहाँ पे मिल रहा है 7 पाई बाय 6, सेम यही एंगल आपको मिला था n की वैल्यू 0 पे। तो अगर आप कहते हो कि सर टेंजेंट में मैंने 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान एंगल निकालने सबसे पहले, तो 0 से लेकर 2 पाई के दरमियान दो एंगल आएंगे, लेकिन फिर उन दो एंगल के अंदर आपने n पाई ऐड नहीं करना, आपने 2n पाई ऐड करना। या दूसरा तरीका क्या है, आप 0 से लेकर पाई तक, मतलब 180 तक एक एंगल निकालो, 0 से लेकर 180 तक एक ही एंगल आएगा, जैसे 0 से लेकर 180 तक यहाँ पे पाई बाय 6 आया था, और इसके अंदर अब आप इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर दो पाई के, जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी बुक के अंदर, तो मैंने कहा आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर दूं। कंप्लीट मैंने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया, अब जरा सॉल्यूशन पे आ जाओ। आप ऑब्जर्व करो ना, बुक वाले डिस्कस नहीं करते। 365 पे अगर आप देखो, 365 के टॉप पे अगर आप देखो, उन्होंने दो एंगल निकाले में, एक 60 डिग्री निकाला हुआ है और एक 240 निकाला हुआ है, पाई बाय 3 और 4 बाय 3। लेकिन जब उन्होंने जनरल सॉल्यूशन लिखा है तो जनरल सॉल्यूशन में सिंपल पाई बाय 3 डिस्कस किया और उसके अंदर एन पाई ऐड कर दी। अब जिसको फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट ने मुझसे नहीं पढ़ा और उसको अगर ये कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता, क्योंकि मेजॉरिटी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए नहीं जाते, टाइम बहुत लगता है इसके ऊपर, और सेंटर में तो बिल्कुल ऐसा माहौल ही नहीं होता, बच्चे तफरी कर रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। जिसने कॉन्सेप्ट हासिल नहीं किया तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल आएगा कि यार जब साइन और कॉस में दो एंगल आते थे तो आप उसके अंदर 2n पाई ऐड करते थे, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले वाला एंगल लिया और उसके अंदर n पाई ऐड कर दिया, इसका क्या मतलब है? या तो आप दो एंगल निकालो नहीं, एक ही एंगल निकालो और उसके अंदर n पाई ऐड कर दो। निकाले हुए भी आपने दो एंगल है लेकिन जनरल सॉल्यूशन में एक ही डिस्कस किया था, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको, अब मैं समराइज कर देता हूँ ताकि सॉल्यूशन आप लोग करने लगो तो मसला ना हो, कि टेंजेंट के केस में आपने एक ही एंगल निकालना है, वो एंगल कैसे निकालोगे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही वो एंगल आ जाएगा आपके लिए, आप जनरल सॉल्यूशन में उसके अंदर एन पाई ऐड कर दोगे, आपके पास जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने दो एंगल निकालने, तो आप दो एंगल निकाल लो 0 से लेके 360 के अंदर, फिर उन दोनों एंगल में आप अलग अलग 2n पाई ऐड कर दो, ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप बुक में देखो ना जो कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या तो इसके मुताबिक है या कभी इसके मुताबिक है, कहीं उन्होंने ये वाला काम किया हुआ, कहीं उन्होंने ये वाला काम किया हुआ। ये आप आंसर देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, या आप आंसर निकालो 12.2 के और 12.3 के। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसमें उन्होंने एन पाई ऐड किया हुआ है, जबकि एक और सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में उन्होंने 2n पाई किया हुआ है, हालांकि टेंजेंट की इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें देखो टेंजेंट वाला है, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखोगे तो उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हालांकि मैंने आप लोगों को ये सॉल्यूशन करवाया। एक ही चीज है ये, दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बुक वालों ने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया कि दो अलग चीजें होती है टेंजेंट के अंदर, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया बात, उन्होंने बस सॉल्यूशन लिख दिया,
तो क्वेश्चन नंबर फाइव में उन्होंने इस तरीके से सॉल्यूशन लिखा हुआ कि टेंजेंट के अंदर 2n पाई ऐड किया हुआ है, इसी को ही फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में उन्होंने जाके ये वाला काम किया हुआ, अगर आप देखो उसके अंदर n पाई ऐड किया हुआ। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं जो बुक वालों ने डिस्कस नहीं की, लेकिन मैंने डिटेल में डिस्कस किया, टाइम लगा है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था। ठीक है, खैर तो इस वाले सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आप लोगों को टेंजेंट के अंदर कोई नेगेटिव वाला देता हूँ और वो करवाता हूँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन में, नेगेटिव है ना, यही सवाल है, इसके साथ बस नेगेटिव आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन, टेंजेंट एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये बराबर होगा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अच्छा जी, अगेन वही बात, रेफरेंस एंगल निकालना, माइनस को आप लोग इग्नोर करो, टेंजेंट वन अपॉन रूट थ्री कहाँ पे होता है अभी पता मैंने मालूम किया था कि रेफरेंस एंगल यहाँ पे होगा पाई बाई सिक्स, टेंजेंट 30 डिग्री पे वन अपॉन रूट थ्री होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो आप नीचे लिख दो सेंस टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है क्योंकि हम जीरो से लेके पाई में देख रहे हैं, वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है लेकिन हम जीरो से लेके पाई वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, दो अलग कॉन्सेप्ट है ना, तो हम जीरो से लेके पाई वाला यूज कर रहे हैं, तो टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। देयरफॉर आपने एंगल कैसे निकालना है, अब आप एंगल निकालोगे डायग्राम के जरिए से, आपने सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय सिक्स वाला रेफरेंस एंगल बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय सिक्स यहाँ पे बनेगा कि 30 डिग्री यहाँ पे बना है, तो ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, उसका मतलब यहाँ पे एंगल आएगा 150, जिसको आप लिख सकते हो 5 पाई बाय सिक्स, क्योंकि 150 होता है 30 इंटू 5, 30 है पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे मुझे पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल है तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल बनाया, और फिर ओवरऑल पूरा एंगल क्या आ गया 150 डिग्री, वो एंगल आ गया। अब बारी है सॉल्यूशन सेट की, तो सॉल्यूशन सेट सिंपल क्या होगा, 5 पाई बाय 6 के अंदर आपने यहाँ पे एन पाई ऐड कर देना, ये आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अगर आप बुक वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हो, इसका बुक ने तो ये आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप डिफरेंट तरीके के दूसरे कॉन्सेप्ट के आंसर मालूम करना चाह रहे हो दो एंगल निकालने वाले, तो वो भी आप कर सकते हो कि भाई एक एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, तो अगर ये पूरा है 150 डिग्री, क्वेश्चन बता सकते हैं ये पूरा कितना होगा, मुश्किल है मालूम करना, 330। एक्सीलेंट यार, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो आप 30 से 30 पहले रुक गए हो, ओवरऑल 360 होता है ना, तो आप 30 पहले रुक गए हो, इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना है 330 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे दो एंगल निकालना चाह रहे हो तो एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में निकाला, एक है 150 जिसको आप लिख सकते हो 5 पाई बाय 6, और एक है 330 जिसको आप लिख सकते हो 11 पाई बाय 6। जब दो एंगल आप निकाल ले तो आप 2n पाई ऐड करो, यहाँ पे भी आप 2n पाई ऐड कर दो, यहाँ पे भी आप 2n पाई ऐड करो, तो यही चीज है इसका सॉल्यूशन, आप ये भी लिख सकते हो, मे बी अगर आप गूगल करो कि और लिखो तो इस सवाल का सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया हुआ। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ये भी ठीक है क्योंकि इसमें आप n की वैल्यूज पुट करते जाओ, जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सेम यहाँ पे भी मिल रहे, पुट करते जाओ, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट करो, फाइव फाइव बाई सिक्स यहाँ पे भी आप पुट करो, सेम चीजें आपको मिलती जाएंगी, तो ये भी सेम ही सॉल्यूशन आपको दे रहा होगा, और ये दोनों सेट को कंबाइन अगर आप डिस्कस करो तो ये भी वही सॉल्यूशन दे रहे होंगे जो ये आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। लास्ट क्लास से रिलेटेड एक दो बातें बता दूं, अगर आप 12.3 के हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो अगर आप देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सवाल क्या था, फाइंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये जो आपने कल सॉल्यूशन किया है ना, ये आपने प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ लो इसको, मैंने आप लोगों को बताई नहीं है कि किस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और एग्जैक्ट मैंने प्रॉपर्टीज के अंदाज में सॉल्व भी नहीं करवाया, मैंने डायग्राम बना के आसानी से आप लोगों को सॉल्व करवा दिया, लेकिन बिहाइंड पे अगर आप देखो तो वो प्रॉपर्टीज ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहीं पे लग रही है, तो ये अगर आप बुक की एग्जाम्पल देखो ना, जैसे उन्होंने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लगाई हुई है, और जनरल सॉल्यूशन जब आप लिखते हो तो वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, जनरल सॉल्यूशन लिखते हुए आप 2n पाई ऐड करते हो ना, पीरियड ऐड कर रहे होते हो आप, तो ये प्रॉपर्टीज लगा के उन्होंने सॉल्व किया होता, मैंने अलग से बताया नहीं है, लेकिन मेथड वही है, बुक वाले मेथड से हमने सॉल्व किया था, तो ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज का वो मतलब है। अच्छा, उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है व्हेन, जो एक्स है, एक्स की आपको दी हुई है कि एक्स पाई बाय 2 से छोटा होगा और माइनस पाई बाय 2 से ग्रेटर होगा, ये जो चीज उन्होंने लिखी हुई ना ये गलत है, मतलब ये इस सवाल में लिखना नहीं चाह रहे थे, ये नेक्स्ट सवाल में लिखना चाह रहे थे लोग, क्योंकि अगर आप बुक में टॉपिक देखो ना, बुक में टॉपिक है पेज नंबर 365 पे,
12.3.2, इसमें इस टॉपिक के अंदर जो भी आप सॉल्यूशन करते हो ना वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान कर रहे होते हो। अगर आप देखो ये टॉपिक के हेडिंग में लिखा हुआ है व्हेन माइनस पाई बाय टू थीटा जो है पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू के दरमियान है, पेज नंबर 365 का टॉपिक है। जबकि जो पहला सवाल है उसमें ये नहीं होता, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, उसमें तो आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो तो थीटा तो कुछ भी हो सकता है वहां पे। शुरू में आप जीरो से लेके टू पाई लेते हो कि जीरो और टू पाई के दरमियान हम थीटा निकालते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में तो हर एंगल आ जाता है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है कि जो आपने थीटा है वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान लेना है। इसका मतलब क्या है वो इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ अगर पेपर में आएगा तो ये चीज लिखी हुई नहीं आएगी। पेपर में अगर आएगा कि सॉल्व करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बस इतना ही आएगा, आगे कोई रेंज नहीं लिखी हुई होगी। ठीक है, तो वो आपको खुद पता है साइन और कॉस में आप जीरो से लेके 360 के दरमियान दो एंगल निकालते हो और फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, जबकि टेंजेंट के केस में आप जीरो से लेके 180 के दरमियान निकालते हो और फिर उसको जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे उसका। तो पेपर में आएगा तो आप लोग इसी तरह करोगे, या तो आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज या फिर आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, जो आज की क्लास में हम करेंगे, जो कि 12.5 का टॉपिक है। तो ये दो, एक 12.3 में है एक 12.5 में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो 12.3 में आपने देख लिया कल कि किस तरीके से हमने सॉल्व की थी, 12.5 में आप लोग बाद में देख लोगे कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपने क्या करना है, मैं एक ही सवाल आप लोगों को करवाऊंगा, पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 12.3 पे अगर आओ तो लिखा उन्होंने कि बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को यूज करो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको उन्होंने बोला गया कि ग्राफ का इस्तेमाल करके इन इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन मालूम करो। अगेन इस सवाल की खास वैल्यू है नहीं, ये अगली क्लासेस में आप देखोगे नहीं कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, कोई खास अहमियत नहीं है। इसी तरह जैसे 12.3 का जो कल क्वेश्चन आपने किया था, मैंने बताया था उसकी खास अहमियत नहीं है। उसकी वजह यह कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन होगी तो जो कल हमने मेथड किया था वो आप लगाओगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मुश्किल होती है, आप उनको सॉल्व करते हो और फिर फाइनली वैल्यूज इनवर्स से निकालते हो, वो इनवर्स इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे। तो 12.3 की खास अहमियत नहीं है, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू बात करो आगे की क्लासेस में, यूनिवर्सिटी में या सेकेंड ईयर में 12.3 खास अहमियत नहीं है, लेकिन बुक में है, सवाल आ सकता है, इसलिए हम कर रहे हैं। वरना इस पूरी एक्सरसाइज को आप बाकी मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो जो कि अच्छे मेथड है, लेकिन बुक ने डिस्कस किया हुआ तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 हम एक करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने मेंशन किया हुआ है एक इक्वेशन है cos x plus upon pi है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका है। उसकी वजह यह है कि पहले जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व किया ना वो इस फॉर्म में होती थी, फॉर एग्जाम्पल cos x इज इक्वल टू के, कहने का मतलब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था और राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू आपको मिलती थी जिसको मैं के का नाम दे रहा हूँ, जबकि इसको अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे ना तो ये होगा x upon pi। अब देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x आ रहा है, जबकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू आया करती थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास x आ रहा है। तो इसका मतलब उस वाले मेथड से जो आपने पढ़ा था ना, पहले वाले 12.3 का जो पहला टॉपिक था जो हमने कल कवर किया था, उस वाले मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बुक ने एक और मेथड इसका डिस्कस किया हुआ, तो जरा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, और वो ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा आपको। अब मुझे नहीं पता पेपर में सवाल आएगा ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है नहीं, मुझे लगता नहीं है, ये आप खुद ही बस रैंडमली ग्राफ बनाओगे अपनी आंसर शीट के ऊपर और उस पर सॉल्व करोगे इसको, लेकिन इंशाल्लाह कुछ आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को हर चीज कंफर्म कर दूंगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन किस ग्राफ पे आपने ड्रॉ करना होगा और किस वाले क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करोगे, उसकी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम इसको कॉपी पे ड्रॉ करना सीखते हैं अंदाजे से, स्केल आप लोग एक प्रॉपर लेके जाना ताकि आराम से आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये दो लाइनें आप लोगों की परफेक्ट होनी चाहिए, हाथ से नहीं ड्रॉ कर देना, स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करना, उसके बाद जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा ना वो स्केल से मेजर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्केल होता है ना, अगर आप सेंटीमीटर की बात करो तो फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर कर लेना, हर 4 सेंटीमीटर बाद ना मार्क करते जाना ताकि स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल इक्वल इक्वल हो, तो इस तरह आपका जो ग्राफ बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो अगर पेपर में अगर आप आंसर शीट पर ग्राफ बना रहे हो ना, फिर भी प्रॉपर आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, अंदाजे से ग्राफ नहीं बनाना, और अगर ग्राफ पेपर होगा तो फिर तो ये चीज ही नहीं होगी ना। खैर अब आ जाओ इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है बच्चों सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालने का मतलब यहाँ पे है एक्स की वैल्यू निकालना। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद आपका क्या होता था कि यार किसी तरीके से मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ जाए, यही मकसद था ना आपका। इसी तरह इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद क्या है, अगेन किसी तरह एक्स की वैल्यू आ जाए मेरे पास। अब वो वैल्यू किस तरह निकालेंगे इस वाले मेथड में, जरा देख लो। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करो, लेट
वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आप लोग ने पढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होता है सी के, तो आप लिख सकते हो ना ए बराबर है सी के, तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी। तो देखो यहाँ पे कॉस एक्स जो है वो बराबर है माइनस एक्स अपॉन पाई के, और नीचे कॉस एक्स बराबर है वाई के, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि वाई और माइनस एक्स अपॉन पाई ये भी आपस में बराबर है, एक ही बात है। जब वाई बराबर है कॉस एक्स के और कॉस बराबर है इसके, तो अल्टीमेटली वाई और माइनस एक्स अपॉन पाई ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हर सवाल में जो दूसरा टॉपिक है ना उसमें आपने यही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी आपने वाई बोल देना है और राइट हैंड साइड को भी आपने वाई बोल देना है। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड, 11 से लेके 16 तक, उसमें आप यही काम करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड को भी वाई ले लो और राइट हैंड साइड को भी आप वाई ले लो। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, इसको भी आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, इसको भी ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। अब सवाल ये ग्राफ पे ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, ग्राफ पे जब आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हो ना तो हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। वो टेबल क्या होता है, उस टेबल में आप क्या करोगे, सबसे पहले कुछ वैल्यूज लेट कर लो, अच्छा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बुक ने इसी तरह बनाया है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया हुआ है ना, हॉरिजॉन्टली बना लेते हैं, वैसे वर्टिकल भी आप बना सकते हो इसको, लेकिन जगह कम हमारी गिरेगी इससे, तो ये इसी तरह बना लेते हैं हम। कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्स हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज होंगी और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, अच्छा जी, और एंड पे हम रखेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन पाई। आप क्या करोगे, देखो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स वैल्यूज लेट करनी होती है। कोई भी ग्राफ आपने अगर ड्रॉ करना है ना, ग्राफ का क्लासिकल तरीका क्या है ड्रॉ करने का, कि आप अपनी तरफ से कुछ एक्स वैल्यूज लेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, इसी तरह -1, -2, -3, इन एक्स वैल्यूज को आप पुट कर देते हो फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस एक्स की जगह एक्स की वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास वाई की वैल्यूज आती जाएंगी, जैसी वाई की वैल्यूज आती जाएंगी आपको पॉइंट मिलता जाएगा, उस पॉइंट को आप जाके ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे। तो स्टार्ट आप किस तरह करते हो, एक्स की वैल्यूज लेट करते हो। तो यहाँ पे हमने कौन सी एक्स की वैल्यू लेट करनी है, सवाल में आपको बोला हुआ है कि जो आपने सॉल्यूशन ड्रॉ करना है ना वो माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान करना है। ये 12.3 के सवाल में नहीं है, लेकिन इसको ऐड कर लो। मैंने बताया कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना उसमें ये चीज लिखी हुई, हालांकि नीचे वाले क्वेश्चन में होनी चाहिए थी। कि इससे आपको पता क्या चला, इससे आपको पता चला कि वो बोल रहे हैं कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान ही आप इस ग्राफ को ड्रॉ करो, वरना ग्राफ तो एक इनफाइनाइट है ना, आप पूरा पॉजिटिव पे भी ड्रॉ कर सकते हो, नेगेटिव पे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उन्होंने आपको बोला बस इन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ करो, मतलब माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इसके दरमियान ही आपका ग्राफ होगा, बस ये आपको इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है। तो आप वैल्यूज अपनी तरफ से लेट कर लो, जो बुक ने लेट की हुई है हम वही लेते हैं, कि पांच वैल्यूज हैं जो बुक ने हर सवाल में लेट की हुई है, तो आप भी वही ले लो। सबसे पहली वैल्यू माइनस पाई बाय टू, फिर माइनस पाई बाय फोर, फिर जीरो, फिर पाई बाय फोर और फिर पाई बाय टू, ये पांच वैल्यूज हैं जो बुक ने हर सवाल में लेट की हुई है इस तरीके से, तो आप भी लेट कर लो। ये माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान पांच नहीं, आप अगर चाहो तो यहाँ पे सात भी ले सकते हो। सात कहने का मतलब ये होता है -90, ये होता है -45, तो आप -90 और -45 के दरमियान 60 भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय थ्री। और अगर चाहो मजीद, अगर आपके पास टाइम है तो और भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया -π/2, -π/3, -π/4, -π/6, 0, फिर आप पॉजिटिव लिखोगे π/6, π/4, π/3, π/2। चाहो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इस तरह भी ले सकते हो, इस पे आपका टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ग्राफ आपका काफी एक्यूरेट आएगा, क्योंकि आपने ज्यादा पॉइंट्स पिक किए हैं ना। ये होता है -90, -60, -45, -30, 0, फिर 30, 45, 60, 90, ज्यादा पॉइंट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो बुक ने लिए हैं ना वो तो आपको लेने लेने हैं। ये पांच पॉइंट तो मिनिमम है, पेपर में लाजमी अगर आएगा तो आपको लेने हैं, अगर एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो इट्स अप टू यू, और अच्छा बन जाएगा ग्राफ। ये लेने के बाद अब आपको कोई भी काम नहीं, बस कैलकुलेटर में पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है आपने, तो जरा कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, और कोशिश करो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं, आपको पॉइंट में बताना चाहिए कि जीरो पॉइंट क्या आ रहा है, वन पॉइंट क्या आ रहा है, सब आपको बताना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप माइनस पाई बाय टू कॉस के अंदर पुट कर दो, भाई कॉस के अंदर आप माइनस पाई बाय टू पुट करो या पाई बाय टू पुट करो, कॉस के अंदर जीरो ही आता है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 पे जीरो होता है, इसी तरह कॉस माइनस 90 पे भी जीरो होता है, तो ये दो पॉइंट तो जीरो हो गए, आधा मसला हल। फिर एक्स पुट करो कॉस के अंदर, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय फोर, जब कॉस के अंदर आप माइनस पाई बाय फोर पुट करोगे तो कॉस आंसर देगा 1/√2, उस 1/√2 को आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन हो जाएगी डेसिमल के अंदर 0.707,
तो आप माइनस पाई बाय फोर पुट करो कॉस के अंदर, कैलकुलेटर आपका आंसर दे रहा होगा 0.707। फिर आप कॉस के अंदर जीरो पुट करो, कॉस 0 1 होता है। फिर आप कॉस के अंदर पाई बाय फोर पुट करो, मैंने बताया कॉस के अंदर माइनस पाई बाय फोर पुट करो या पाई बाय फोर पुट करो, आंसर सेम ही आता है। ये लो आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इनको ग्राफ में हम किस तरह ड्रॉ करेंगे वो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं हम। अच्छा, बुक ने ये टेबल अलग डिस्कस किया हुआ है और इस वाले को अलग डिस्कस किया हुआ है, आप एक साथ भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। एक साथ भी टेबल बनाना चाह रहे हो बना लो, अलग अलग भी बनाना चाहते हो तो बुक के मेथड भी बना लो, कोई इशू नहीं है। ये आपका कर्व क्या, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन पाई। आपने इसमें x की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय टू। तो आप इस x की जगह पे पुट कर दो माइनस पाई बाय टू। देखो एक ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, एक माइनस ये होगा, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो x की जगह मैंने माइनस पाई बाय टू पुट किया, न्यूमिनेटर ये हो गया और नीचे पाए तो अपनी जगह पे ही है। इस पाए को इस पाए से कैंसिल कर दो, सिंपल आंसर आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2 जो कि होती है 0.5। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेटर में पुट कर दो। कैलकुलेटर में सिंपल तरीका ये होता है, एक फॉर्मेट आप बना लो। फॉर्मेट क्या है कि आप सबसे पहले फ्रैक्शन का बटन दबाओ, फिर आप न्यूमिनेटर में माइनस लिखो और डिनोमिनेटर में पाए लिख दो, क्योंकि सब वैल्यूज में ये कॉमन है। उसके बाद वैल्यू में फर्क पड़ेगा ना, मतलब न्यूमिनेटर में एक्स की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो आप न्यूमिनेटर पे जाओ, सबसे पहले आप x की जगह पे न्यूमिनेटर में पुट कर दो माइनस पाई अपॉन टू। कहने का मतलब ये मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। अगर आप देखो ना, ये छोटी छोटी बातें काम आती हैं, ये अब कैलकुलेटर में एक फॉर्मेट बन गया। अब इसमें जो ब्रैकेट है ना न्यूमिनेटर में, उसमें मुझे हर दफा वैल्यू अलग करनी है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को मैंने छेड़ना नहीं है, इसी तरह माइनस को मैंने छेड़ना नहीं है। बस ब्रैकेट के अंदर मैं हर दफा वैल्यू जो है वो अलग अलग करता जाऊंगा और मेरे पास आंसर आता जाएगा। जैसे इसका आंसर 1/2 आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या पुट करना है, माइनस पाई बाय फोर। तो बस पाई बाय टू की जगह पाई बाय फोर पुट किया, कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 1/4 जो कि 0.25 होता है। फिर आप एक्स की जगह जब यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो जीरो ही हो जाएगा ये। फिर आपको पुट करना है पाई बाय फोर, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। माइनस पाई बाय फोर पे 0.25 आ रहा था, पाई बाय फोर पे माइनस 0.25 आ जाएगा। इसी तरह माइनस पाई बाय टू पे 0.5 था, पाई बाय टू पे माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये आपने वैल्यूज निकाल ली। जैसे इसको हम कहते हैं टेबल बनाना, टेबल ऑफ वैल्यूज। आपने टेबल ऑफ वैल्यूज मालूम कर लिया, अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। और जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे आपको पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ग्राफ ड्रॉ किए बगैर भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन बता सकते हो। सवाल है कि सॉल्यूशन क्या होता है। ये दो कर्व है ना, एक कॉस एक्स है और एक है माइनस एक्स अपॉन पाई। यहाँ पे कॉमन चीज क्या होगी, कॉमन पॉइंट आपने देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, आप लोग बचपन से इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो कि इन इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। सबको पता है, यहाँ पे जो नल्ला नल्ला बच्चा भी है ना जिसको मैथ नहीं आती, उसको भी पता होगा यार ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना है। लेकिन मेजोरिटी बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि इसके एंड पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती हैं वो रिप्रेजेंट क्या करती हैं। आप लोगों को पता है एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, एक्सीलेंट। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये जो आपको एक्स और वाई वैल्यूज मिल रही होती है, ये बेसिकली एक पॉइंट की आपको एक्स और वाई वैल्यूज मिल रही होती है। वो कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो जो दो, इसको हम बोलते थे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। उसका मतलब क्या था, बचपन से रट्टा मारा हुआ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। उसका मतलब ये था कि जब आप इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सॉल्व करोगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट आपके पास आया है वो दोनों लाइन के ऊपर है, वो इस लाइन के ऊपर भी है, वो इस लाइन के ऊपर भी है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर इस एक्स और वाई की वैल्यू को पहली में पुट करो या दूसरी में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ रही होगी। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दो कर्व को आप एक साथ सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी दो कर्व है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, यार जो इनका कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये था ना, तो ये सॉल्यूशन कहलाता था। तो अगर आपको इनके ग्राफ नजर आ जाए और ग्राफ में आप देखो यार ये कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब वही सॉल्यूशन है इनका। मतलब माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान जो भी पॉइंट आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो वो पॉइंट सॉल्यूशन होगा उसका और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ से आप देखो कि कॉमन सॉल्यूशन इनका क्या है, जो कॉमन पॉइंट होगा वो यहाँ पे सॉल्यूशन माना जाएगा। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ वाला काम स्टार्ट करते हैं कि ड्रॉ किस तरह करना है इसको। तो मैंने बताया आप लोगों ने प्रॉपर एक्स और वाई एक्सिस बनाने हैं, स्केलिंग प्रॉपर कर लेना। अच्छा, आप एक्स एक्सिस की स्केलिंग कैसे करोगे, एक्स एक्सिस पे सबसे पहले तो जीरो है। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस में लिए हैं, दो पॉइंट नेगेटिव में लिए हैं। तो मैं उस हिसाब से स्केलिंग करता हूँ कि कंसीडर कर लो, ये है माइनस पाई बाय फोर, सॉरी पाई बाय फोर है 45 और ये है 90। अच्छा, आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पॉइंट लिया है ना पाई बाय टू, पाई बाय थ्री और पाई बाय फोर फॉर एग्जाम्पल, तो पता क्या करेगा, सबसे छोटा पॉइंट पाई बाय फोर है ना, वो कहेगा ये पॉइंट है पाई बाय फोर, पॉइंट है पाई बाय थ्री और ये पॉइंट है पाई बाय टू, मतलब पाई बाय फोर मतलब ये 45 है, आसानी के लिए वैसे तो रेडियन में आप करते हो, ये पाई बाय थ्री मतलब 60 है और ये 90 है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। क्या गलती है इसके अंदर, सर गैप डिफरेंट, गैप ज्यादा दिया हुआ है, कम ज्यादा गैप की सेंस नहीं है, क्यों, आपने इतने डिस्टेंस को लिए 45 और इतने डिस्टेंस को लिए 15, मतलब 45 और 60 15 डिग्री ना, तो 15 डिग्री में आपने इतना गैप दिया हुआ है और 45 जीरो से लेके 45 में आपने इतना दिया हुआ है, इसी तरह 60 से 90 30 इतना गैप है, तो सेंस नहीं मरा ना बात, क्या मतलब है, मतलब 30 इतना है और यही चीज यहाँ पे 15 डिग्री है और यही चीज यहाँ पे 45 डिग्री है, मतलब अगर रेडियन में बात करो तो ये पूरा डिस्टेंस पाई बाय फोर है और पाई बाय फोर और पाई बाय थ्री के दरमियान छोटा सा डिस्टेंस भी निकाल लेना कम ही आएगा, तो कहने का मतलब स्केलिंग आपने प्रॉपर करनी है, गैप आपको पता होना चाहिए कितना डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे तो दो पॉइंट कंफ्यूजन होगी नहीं क्योंकि ये होता है 45 ये होता है 90, तो जीरो से लेके 45 भी 45 है टोटल डिस्टेंस, ये भी 45 है, तो यहाँ पे तो मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप दो तीन पॉइंट करोगे ना फिर वहां पे मसला होगा, तो ध्यान से करना ठीक है। फिर इसका हल क्या होता है, इसका हल ये कि आप देखो मिनिमम डिफरेंस कितना है, जैसे 45 और 60 में मिनिमम डिफरेंस 15 है, यहाँ पे 60 90 में 30 है, तो मिनिमम 15 है ना यहाँ पे, तो 15 15 के हिसाब से आप स्केलिंग करो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये 15 है ये 30 है ये 45 60 75 90, तो इस तरह करके फायदा आपको ये होगा कि ये 15 30 और ये 45, तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर, ये है 45 के अंदर 15 ऐड करो 60, ये हो जाएगा पाई बाय थ्री और 90 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो कहने का मतलब स्केलिंग आप सेम ही रखनी है आपने, 15 15 15 की रखनी है और उस हिसाब से आप कर लोगे इंशाल्लाह, ये बात कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, बाकी जब मैं ग्राफ बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो वहां पे भी आप लोग इंशाल्लाह मजीद सीख लोगे। खैर तो एक्स एक्सिस पे आपने पॉइंट मेजर कर लिए माइनस सॉरी पाई बाय फोर और ये हो जाएगा पाई बाय टू, इसी तरह इस पे भी कर लो, तकरीबन ये हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय टू, तो एक्स एक्सिस की तो आपने स्केलिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम ये कॉस एक्स का ग्राफ जो है इसको बनाते हैं, माइनस पाई बाय टू पे कॉस की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो माइनस पाई बाय टू ये है तो कॉस की वैल्यू जीरो है, वाई वैल्यू जीरो का मतलब होता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई वैल्यू जीरो आ रही है ना, ये सारी वाई वैल्यूज है ना, वाई वैल्यू जीरो आ रही है, इसका मतलब माइनस पाई बाय टू पे वाई वैल्यू जीरो है, तो मतलब आप उस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे बनाओगे, इसी तरह पाई बाय टू पे भी वाई वैल्यू क्या है जीरो, तो उसका मतलब यहाँ पे भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। फिर अच्छा वाई एक्सिस की भी स्केलिंग कर लो, y-axis में आप देखो मैक्सिमम वैल्यू cos में 1 होती है और यहाँ पे अगर आप देखो तो नेगेटिव कुछ आपको प्लॉट करना नहीं है, लेकिन बाद में नेगेटिव करना पड़ेगा आपको, तो हम ऐसी स्केलिंग करते हैं जो हमें फायदा दे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0.5 की कर लेता हूँ, कंसिडर कर लो ये वाली वैल्यू है 0.5 और ये वाली वैल्यू है 1, इसी तरह ये हो जाएगी माइनस 0.5 और ये हो जाएगी 1, बुक ने भी यही y-axis पे की हुई है, बेहतर आप ये कर लो, अगर आप मजीद अच्छी करना चाह रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल आप 0.25 भी ले सकते हो, 0.25 फिर 0.5 0.75 और फिर 1, इस तरह भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ग्राफ बनाने का भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी से आप ले सकते हो जो भी लेना आपने, लेकिन इक्वल होनी चाहिए, ये ना हो कि ये चीज यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.25 बन जाए, नहीं इक्वल होनी चाहिए बस। तो दूसरा पॉइंट है माइनस पाई बाय फोर पे आपको वैल्यू मिल रही है 0.7, तो ये माइनस पाई बाय फोर है, 0.7 कहाँ पे होगा, अब देखो आप रफ ग्राफ बना रहे हो ना, अगर ओरिजिनल ग्राफ होता तो 0.7 में आपको बता देता, तो 0.5 है ना और 1 है, तो 0.7 कंसीडर कर लो, ये 0.6 है 0.7 0.8, अब देखो मैंने थोड़ी खराब कर दी, एक सेकेंड अंदाजन हमने करना है ना बस, तो कंसीडर कर लो 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर जाके 1 हो जाएगा ये, तो 0.7 तकरीबन यहां पे होगा, तो मैं बिल्कुल इससे आता हूं और यहां पे एक, तो अंदाजन 0.7 और माइनस पाई बाय फोर पे मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये वाला अंदाजन ने पूरा किया हुआ था। फिर जीरो पे आपको मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पे आपको वाई वैल्यू क्या मिल रही है, वन, मतलब यहाँ पे एक्स जीरो होता है और आपको वैल्यू मिल रही है वन, पॉइंट ये है, जब भी एक्स वैल्यू जीरो है इसका मतलब वो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे कहाँ पे बनेगा, वाई एक्सिस वन है, तो मैं वन के ऊपर एक पॉइंट बना दिया। सेम पाई बाय फोर पे आपको वैल्यू मिल रही है 0.70, एग्जैक्ट इसी से आपने इधर आना है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा।
पाई बाय फोर के ऊपर 0.707 है, 07 की इतनी खास कोई औकात नहीं है, ग्राफ पेपर होता तो हम हल्का फुल्का देख लेते, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा ये। और फिर आखिरी पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो कॉस का ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, ज्वाइन कर दो इसको। जितने ज्यादा पॉइंट होते हैं ना ज्वाइन करने में उतनी आसानी होती, अगर मुझे दरमियान दरमियान में भी पॉइंट मिलते हैं ना तो ग्राफ मेरा और अच्छा बन जाता है ये। तो तभी मैंने कहा था कि ज्यादा पॉइंट्स आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल टाइम लगेगा लेकिन मिनिमम ये पॉइंट्स तो लेने, क्योंकि बुक ने लिए मैं आपके पॉइंट। ये बाय द वे कॉस का ग्राफ होता है -90 और 90 के दरमियान, अगर आपको याद हो ना कॉस का ग्राफ हम इस तरह बनाते थे, हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाते थे ना, इस तरीके से पॉजिटिव एक्सिस बनाते थे, लेकिन पीछे भी चलता था ना ये टाइप का ग्राफ हुआ करता था कॉस का। तो इन्होंने ये पॉइंट होता था -90, ये पॉइंट होता था 90, तो ये -90 और 90 के दरमियान कॉस का इस तरह ग्राफ बनता था, ठीक है। खैर तो ये कॉस का आपने बना दिया, अब पीछे क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन पाई, इसका ग्राफ आपने बनाना है, तो बना लेते हैं। माइनस पाई बाय टू पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 0.5, ये माइनस पाई बाय टू है। अच्छा इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये माइनस पाई बाय टू है और वैल्यू मिल रही है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे है, तकरीबन यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। माइनस पाई बाय फोर पे आपको मिल रही है 0.25, माइनस पाई बाय फोर यहाँ है, 0.25 बिल्कुल दरमियान में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो माइनस पाई बाय फोर पे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, सही है। अच्छा फिर है एक्स की वैल्यू जीरो पे, आपको वाई वैल्यू भी जीरो मिल रही है, वो तो यहीं पे होगा, ओरिजिन है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अच्छा जी पाई बाय फोर पे आपको वैल्यू मिल रही है -0.25, ये पाई बाय फोर है, -0.25 यहाँ पे होगा कहीं, ये -0.5 है ना, तो -0.25 यहाँ पे होगा, तो तकरीबन आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय फोर पे आपको -0.25। और आखिरी है पाई बाय टू पे आपको मिल रही है -0.5, ये -0.5 है, तो पाई बाय टू पे आपको यहाँ पे मिल गई होगी। ये बाय द वे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, याद रखा करो, जो भी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होता क्या है कि एक्स और वाई की पावर 1-1 होती है, तो देखो इसमें एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो ये एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, तो आप स्केल से आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं इसको वैसे ड्रॉ कर देता हूं अंदाजन, ये स्केल से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात सॉल्यूशन, आपको यहां पे क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन वो होता है कि जहां पे लोग कॉमन है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो आपको दिखने में लग रहा है ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अंदाजन अगर मैं बात करूं ना, ये माइनस पाई बाय फोर और माइनस पाई बाय टू के दरमियान है, एक्स वैल्यू अगर आप देखो अंदाजन ये नजर आ रहा है, तो ये होता है -45, ये होता है -90, इसके दरमियान ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, तकरीबन 22.5 अब कर लो तो ये 67.5 होगा तकरीबन, मैं अंदाजन बात करूं फिर आप लोगों को फाइनल बताता हूं कि एक्स एक्सिस में 67.5, रेडियन में अगर आप निकालना चाहे तो कोई मसला नहीं है, इसको आप दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय टू कर दो, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं ना हम, तो जरा ऐड करते हैं, ये हो जाएगा मैं अपने तरीके से ऐड कर रहा हूँ इसको, -2/4 कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा -3π/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, ये पॉइंट है बिल्कुल इनके दरमियान में होगा, जिसको हम बोलते हैं -3π/8। इसी तरह अगर आप वाई वैल्यू देखो तो ये 0.25 और 0.5 के दरमियान आ रही है तकरीबन, अगर अंदाजन आप देखोगे एक्चुअल ग्राफ पेपर होता तो आप वो लाइन को इंटरसेक्ट करके देख लेते ना, तो अंदाजन अगर आप देखो तो ये पॉइंट वाई वैल्यू जो है ना वो इसकी तकरीबन हो रही होगी, क्या कह सकते हैं 0.35 आई गेस होगी, ये आपके पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जरा देखना तो बुक ने आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है, ये ग्राफ पेपर पे ही आएगा तभी आप ड्रॉ करोगे, जैसे अगर आप देखो ना पेज नंबर 366-367 पे ड्रॉ किया हुआ उन्होंने, तो अगर आप देखो रैंडम पॉइंट्स दरमियान में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 367 की ये 367 पे लिखा हुआ है एग्जांपल बिल्कुल टॉप पे, तो उन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया वो यहाँ पे कहीं पॉइंट नजर आ रहा है आपको, अगर आप देखो उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है उन्होंने, उन्होंने बोला हुआ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो थीटा की पाई बाय फोर है यहाँ पे, तो हैंड सॉल्यूशन इज पाई बाय फोर, तो कहने का मतलब अब अप्रोक्सीमेट की अगर बात की गई है तो अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, हमें असल में गर्ज होता है एक्स वैल्यू से, हमें यहाँ पे ऐसी एक्स वैल्यू मालूम करनी थी ना कि जिसपे दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें एक्स वैल्यू क्या मिल रही है उस पॉइंट की, -3π/8 मिल रही है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, बुक वालों ने भी मेंशन किया हुआ है, ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्चुअल सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपको फिर या तो प्रॉपर ग्राफ हो, इवन आपके पास ग्राफ पेपर हो फिर भी आपको मसला तो होगा, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज वैल्यूज हैं जो कि आपको ग्राफ से भी निकालने में थोड़ा मसला होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बुक में एग्जाम्पल मैंने देखी है तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट निकाली है, तो उसका मतलब हम भी अप्रोक्सीमेट ही निकालते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसका, 12 का
बाय द वे सेटिस्फाई भी आप करवा सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी, लेकिन पहले मैं खुद कंफर्म कर लूं। 12.12 इसका लिखा हुआ है पाई, x की वैल्यू पाई। अब पाई सॉल्यूशन है लेकिन पाई इस रेंज के अंदर थोड़ी ना आता। सबसे बड़ा मसला ये है कि सवाल में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कहां से लेके कहां तक की हमने बात करनी है। भाई एक स्ट्रेट लाइन को आप बनाते जाओ तो बनती जाएगी, इसी तरह इस कर्व को भी ड्रॉ करते जाओ बनता जाएगा ये। तो हम क्या करें फिर, हम कौन सा सॉल्यूशन निकालें? सॉल्यूशन आता जाएगा। देखो इस ग्राफ को आप आगे बढ़ाते जाओ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, कंसीडर कर लो इस तरीके से, तो देखो इतने कॉमन पॉइंट इसमें आएंगे। अगर आप इसको दोबारा ड्रॉ करते जाओ देखो कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। तो मसला है कि पहले वो स्पेसिफाई करो तो कहां से लेके कहां पे बताना, उसके बाद हम पॉइंट्स बताएंगे ना। तो मैंने बुक का मेथड यूज किया यहाँ पे। बुक की अगर आप एग्जांपल देखो तो उन्होंने माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के दरमियान डिस्कशन किया सारी। तो मैंने उस डिस्कशन को ही सामने रख के यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताया है। पेपर में खाली सवाल नहीं आएगा इस तरह, लाजमी आपको मेंशन करेंगे कि कहां से लेके कहां तक, क्योंकि हमारा सेंस नहीं बनती ना इतने ज्यादा सॉल्यूशन होंगे हम क्या करें इसके। बिलफर्ज अगर पेपर में उन्होंने ये हमें ना दिया, बिलफर्ज अगर ये चीज ना दी, तो आप बाय डिफॉल्ट माइनस 90 से लेके 90 के दरमियान ही बनाना, क्योंकि स्पेसिफाई करना चाहिए उनको, वरना तो फिर समझ नहीं आएगी ना क्या करो आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बुक के मेथड के मुताबिक सॉल्व किया। मेरा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, वो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है फ्रॉम ग्राफ, ये जो पॉइंट है ना सॉल्यूशन है। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम ग्राफ कॉमन पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली है माइनस 3π/8। और मैंने आप लोगों को थोड़ा प्रूफ करके भी दिखा दिए उसकी वजह। आप ये x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आप x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो इधर जब पुट करो आंसर आ रहा है 0.38 और यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.37। तो कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली आपस में ये बराबर आ रहे हैं। बाकी अगर आप ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो और अच्छा शायद आपको समझ आ जाए कि माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू के दरमियान ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं ना, तो उनको भी आप मेजर करके कुछ ना कुछ मालूम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेपर पे बनाओगे ऐसे ही ग्राफ पेपर नहीं बनाओगे तो अंदाजन मेरे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है कि पॉइंट बिल्कुल दरमियान में था तो मैंने इस तरह ही मालूम कर लिया था। बाकी अगर इंशाल्लाह मेरे जहन में कल कुछ और आया तो बता दूंगा, लेकिन फाइनल यही हो सकता है भाई, या तो स्पेसिफाई करेंगे, करना पड़ेगा उनको। और फॉर एग्जाम्पल पेपर में अगर ये काम कर दें वो, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, जीरो से लेके पाए, तो आपने जीरो से लेके पाए तक बनाना है। पॉइंट्स क्या लोगे, वही पाए बाय फोर पाए बाय टू फिर 3π/4 ले लेना फिर पाए ले लेना, मतलब 45, 90, 135, 180, ये चार पॉइंट ले लेना, पांचवा पॉइंट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो अगर पेपर में ये आए तो फिर आप उस रीजन में बना देना। इस सवाल में कुछ लिखा हुआ नहीं था तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसके मुताबिक आप लोगों को सॉल्यूशन करवा दिया। हाँ उन्होंने भी माइनस 90 से लेके 90 के दरमियान बनाया हुआ है और उन्होंने क्या पॉइंट निकाला हुआ है, माइनस 1.184। इतनी एक्यूरेट वैल्यू कैसे पता चली गई इनको, क्योंकि ये गुस्सा आता है ना। फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्होंने मेंशन किया है फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशन इज, मतलब बकायदा उन्होंने बता दिया कि पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो माइनस 1.184 है। कहीं ये नहीं बताया कि निकाला कहाँ से है, कैसे पता चला है, वही हुई है, क्या हुआ है, कोई मेंशन नहीं किया। खैर अब क्या किया जाए, गाइड में मसला होता है। खैर वैल्यू इनकी है माइनस 1.184, इन्होंने शायद एक्यूरेट निकाली होगी बाकी तरीकों से। अगर आप सिंपल ग्राफ ड्रॉ करो ना, जो मैंने ऐप बताई हुई है, इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, तो ये पॉइंट ग्राफ आपको बता देगा। तो ये उन्होंने शायद वहां से निकाली हो, मैं चेक कर लेता हूँ मेरी वाली वैल्यू का क्या वैल्यू आ रही है। माइनस 3π/8 मेरी आ रही है, ये माइनस 1.178। अब देखो अब उनको से को पूछे कि भाई ये वैल्यू आपको कैसे पता चली है, कोई बताया हुआ नहीं है उन्होंने। लेकिन कहने का मतलब अगर आप अप्रोक्स, क्योंकि बुक ने अप्रोक्स निकाली भी है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था पेपर में अगर सवाल आए तो आप लोग भी अप्रोक्स ही निकालना, ठीक है। इन्होंने तो गाइड में एग्जैक्ट वैल्यू पूरी लिखी हुई है, तो आप लोग अप्रोक्स ही निकालना और एंड पे लिख देना कि फ्रॉम ग्राफ आपको दिखने में लगा है। आप चाहो तो उसको मेंशन कर देना कि ये पॉइंट जो है सॉल्यूशन पॉइंट है। सॉल्यूशन पॉइंट का मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।